اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا

इसमें सबसे पहले जो आप देख रहे हैं जो आयत नंबर एक है अलिफ़ लाम और मीम ये हरूफ़ मुकत्तात हैं इसी तरह के बहुत सारे जो मुकत्तात हैं हरूफ मुकत्तात हैं वो हमें मिलेंगे कुरान अजीम में हरूफ मुकत्तात के बारे में सिर्फ इतनी बात जान लीजिए कि इसका इलम जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के पास है उसके अलावा इसका क्या मतलब है इसका क्या इसके क्या मीनिंग हैं वो किसी को नहीं पता लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो आ, कुछ लोगों ने जो है वो इसकी तावील घड़ने की कोशिश की है कुछ लोगों ने इन अल्फाजों को जो है वो तावीज़ वग़ैरह में या कुछ इस तरह की चीज़ों में लोगों ने ज़बरदस्ती जबरन जो है इन चीज़ों इस इन अल्फाजों को हरूफ़ मत को जो है वो करने की कोशिश की है जैसे इसकी एक मिसाल दूंगा पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं एक साहब का एक दीनी शख्सियत हैं डॉक्टर हैं तो वो फरमाते हैं हैंफ मात के दिन में वह फरमाते हैं कि एक दिन कुछ यहूदी रसोल्लाम के पास हाजिर हुए और पूछा यहूदियों का स्टाइल ज़रा देखिएगा कि तुम्हारा दीन कब तक रहेगा उन्होंने देखा था कि पीछे जो है वह हमारा भी दीन रहा फिर उसके बाद नसाराओं का दीन आया फिर और इस तरह के दीन आते रहे तो उन्होंने बड़े ताज्जुब के स्टाइल में पूछा और बड़े हसद के स्टाइल में पूछा कि तुम्हारा दीन जो है वो कब तक रहेगा तो उसके बाद कमो कमोबोश कमो बेश इसी मफहूम के अल्फाज उन्होंने अदा किए तो रसोल्ला वसलम ने फरमाया अलिफ ला मीम फ़रमायालफलामीम आपलील्ह वसम कुछ बात करना चाहते थे कुरान की कोई आयत पढ़ना चाहते थे लेकिन वो इतने बेअदब थे कि उन्होंने जो है जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम ही कहा तो उन्होंने फ़ौरन से तावील घड़ना शुरू कर दी तो उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा दिन जो है अलिफ लाम मीम से मुराद है लाम से मुराद तीन तीस थर्टी और मीम से मुराद चालीस यानी यह है कि तुम्हारा तुम्हारा दिन जो है वो इकहत्तर साल रहेगा अब ये जो मैं ज़बरदस्ती तावील घड़ने की बात बता रहा था ये यहूद से चली आ रही है इकहत्तर एकत्त, एक, इकहत्तर साल बाद जो है वो तुम्हारा दिन ख़त्म हो जाएगा ये यहूदियों ने कहा तो आप सर वल्लम भी हा, हा, हाकिम थे हकीम थे हिल थे बुढ़दबार थे तो उन्होंने जो है वो ज़रा देखा कि ये इस तरह से लफ्ज़ों में जो है वो कुछ चीज़ों को जो है खेलना चाह रहे हैं तो आपसे असल में क्या फरमाया मुझ पर अलिफ लाम रा, मुझ पर अलिफ लाम रा और अलिफ लाम मीम रा भी नाजिल हुआ है तो उन्होंने कहा कि अलिफ, ला, अलिफ लाम रा से मुराद है दो सौ इकतीस साल और अलिफ लाम मीम अलिफ से मुराद है कि दो सौ इकहत्तर साल फिर आप फरमाया जिस तरह से वो खेल रहे थे तो आप भी ज़रा उनको जो है वो उसी तरह का स्ट्रोक देने लगे फरमाया कि मुझ पर फला फला लफ्ज़ भी नाजिल हुआ है अगर तुम इस तरह से चीज़ों की तावील घड़ते हो लफ्ज़ों को देख के कि केफ़ का ये मतलब है मीम का मतलब ये है लाम का मतलब ये है तो इस सारी चीज़ें हैं कि मुझ पर ये सारी चीज़ें भी नाजिल हुई हैं बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आज आप जब इंटरनेट वगैरह पे आप देखेंगे तो बेतहाशा इसके बारे में आपको अखबार मिलेंगे बेतहाशा आपको चीज़ें मिलेंगी तावीज़ों में भी बता चुका हूँ तावीज़ घंटों में भी जो है इसका वो बहुत ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है वजह क्या है वजह यही है कि जिस चीज़ की तावील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की उसकी तावील जो है वो इंसान करना चाहता है उसकी वजह क्या है दो नंबर लोग जो है इस तरह के वो करना चाहते हैं उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर सी बात है जिसके बारे में इल्म नहीं है उसके बारे में कुछ अगर इंसान बात करे तो शायद हो सकता है दो पैसे अच्छे कमा ले लेकिन इसके बारे में एक बात जो है एक हदीस हमें मिलती है वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया और इस हदीस को जो है हमने इस तरह का बुनियाद बनाया ज़रा हदीस में आप लोगों के सामने रखता हूँ मेरे पास इसका नंबर नहीं है इन मैं आप कोशिश करूँगा इसका नंबर रखने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्फ़ जो है वो एक हर्फ है लाम जो है वह एक हर्फ है और मीम जो है वह एक हर्फ है जिस हदीस को हमने आज बुनियाद बनाया है और हम इसके साथ मामला करते हैं कुरान अजीम के साथ के आलमूना तालमूना वाले हमारे मामला रहते हैं और हम बड़े धड़ल्ले के साथ ये हदीस पेश करते हैं कि कुरान का जो है जी वो एक एक हर्फ जो है उसमें नेकी है क़ुरान के एक एक हर्फ में नेकी है जिस तरह से मैंने बताया कि आप सबसे ने क्या फरमाया अलिफ़ में जो है वो दस नेकियाँ हैं लाम में दस नेकी मीम में दस ने हैं इस हदीस को जो कोट किया जाता है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हरूफ मुखात के ज़मन में वसल्लम ने फ़रमाई थी कि देखो तुम ऐसा ना समझना कि इसका मतलब तो किसी को पता है नहीं लिहाजा छोड़ो इसको पढ़ने की भी क्या ज़रूरत है और यही वजह है कि आप देखेंगे अमूमा जो है इस पर जो है वह मध भी आती है कि ताकि तुम इसको अलिफ लामीम करके जल्दी से आगे ना बढ़ जाओ बल्कि यह कि अलिफ लाम और मीम तुम आराम से पूरी तसली से इसको पढ़ो तो मकसद क्या है मकसद सिर्फ़ बताने का ये है कि जो अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल किया है उस पर हमारा ईमान है इसके बाद फिर एक बात और बताना चाहता हूँ जिस तरह से हर आर हर, हर आइटम का जैसे आइटम कोड आप लोगों ने एक लफ्स सुना होगा इसी तरह से ये अल्लाह ताला के नज़दीक जो है ये सूरतों के भी कोड्स हैं लेकिन वही बात है कि इसका इसके बारे में क्या है ये अल्लाह को और उसके रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है इस बारे में कि क्या मामला हैं हमें जो चीज़ बता दी गई है हमें उसमें जो है वो रखना चाहिए बाकी जिस चीज़ के बारे में हमें कोई इल्म नहीं बताया है उसके बारे में हमें ज़्यादा खोज नहीं लगाना चाहिए ये इतनी बात मैंने आप लोगों के साथ इसलिए की क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कुछ इस तरह के तजस्स रखने वाले लोग इस तरह के होते हैं कि फिर वो इस चीज़ में पढ़ते हैं और फिर वो गूगल से कोई इधर उधर से कुछ इधर से, से खींच के इधर से तान के कुछ चीज़ें निकालते हैं जिसकी वजह से जो है ईमान में जो है वो बिगाड़ पैदा होता है लिहाजा ये जितने भी हरूफ मुकत्त हैं इनके क्या मतलब हैं इनके क्या मीनिंग्स हैं ये सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल को पता है इसकी तावील ना आप सर वल्ल ने बताई उम्मत को ना अल्लाह ने जो है वो खुल खुला के कहीं पेश इसकी जो है वजात की इसके बाद जो दूसरी बात जो आ रही है दूसरी आयत जो आ रही है ज़रा इसको देखिएगा ध्यान से राल कल किताबो लार बफी ये वो किताब है राल ये किताब अल किताब रताबू लार बफी ये वो किताब है ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं रैब कहते हैं शक को लेकिन जब ला रग, ला लग गया उससे पहले तो वो ला रैब से मुराद है कि कोई शक नहीं तो यहां तर्जुमा क्या बनता है लाल कल किताबू कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं अब देखें बज़ाहिर जो है वो हर इंसान इस बात को मानता है बड़ी मोटी सी बात है हर इंसान मानता है आप भी तमाम मानते होंगे जितने लोग हैं दुनिया में वो सब मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है लेकिन क्या वाक़ता इसमें कोई शक नहीं है अपने अपने गिरबानों में झाँक के देखिएगा कि क्या इसमें कोई शक नहीं है और अगर इसमें कोई शक नहीं है अगर आपका यकीन है ये तो आपने इसको कितना पढ़ा और आपने इसको कितना जाना ठीक है जी गाल किताब लार वफ़ी ये बात जबान से कहने में तो बड़ी आसान है एक दूसरा पॉइंट वो ये कि इसके हिसाब से ज़िंदगी को गुजारना ये बहुत बड़ा चैलेंज है मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है अकायद की बुनियाद पर या कुछ और थोड़े फ़राइज की बुनियाद पर हमने चीज़ों को सीखा है और हम उसी को जो है उसी की प्रैक्टिस करते हैं बाकी ये कि पूरी की पूरी किताब जो है वो हमें हज़म नहीं होती ठीक हो गया जी तो लिहाजा मकसद कहने का क्या है कि ये बात ज़बान से कहना बड़ा आसान है सुनने में भी बड़ी आसान लग रही होगी बाकी ये कि अगर आपसे भी ये बात पूछी जाए कि भाई इस किताब में कोई शक है तो आप भी कहेंगे नहीं नहीं भाई इस किताब में कोई शक नहीं है ये तो अल्लाह का कलाम है और ये है और वह है लिप सर्विसिंग जो है वो हम पूरी पूरी करते हैं लेकिन क्या वाक़ता हमारा यकीदा है हमारा ईमान है हमारा यक़ीन है कि अल्लाह की किताब है इसका मुतकलम जो है वो अल्लाह है इसका बात करने वाला इसका नाजिल करने वाला अल्लाह है ये ख़ुतबा इलाही है और इसके मुखातिब जो है इसके ख़ीब जो है वह अल्लाह ताली है ये जो है नुक्ता नज़र आया पहला नुक्ता नज़र जो हमारे पास आया है वो ये आया है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें अब इसमें देखिएगा दो चीज़ें आपको तीन डॉट्स दिख रहे होंगे एक लारेब के बाद तीन डॉट्स हैं और एक फी ही के बाद तीन डॉट्स हैं इसको मुआनक कहते हैं अगर आप तिलावत में अगर आप किरात में इस तरह से पढ़ना चाहते हैं किताब लार ही हिलमीन अगर आप मिला के पढ़ना चाहते हैं तो उस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि यह वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और ये हिदायत है सरी हिदायत है मुतकीन यानी तकवा रखने वालों के लिए तो इसमें क्या फरमाया जा रहा है कि दालिकल किदालिकल बफी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है फ़ी ही हदल लिलमतीन के इस किताब में जो है वो हिदायत है हदन क्या हदन से क्या मुराद है हिदायत है लिलमतिन मतकी के लिए अब देखिएगा ज़रा ये मतकी जो है वो किस किन इसका रूट वर्ड क्या है इसके दो रूट वर्ड हैं वक़ा वाव काफ और या इसी तरह से तक तकी जो है तकी भी जो है वो इसी से बना है इसी से जो है मुतकीन बना है क्या है ता काफ़ और या ये दो लफ्ज़ हैं वक़ा वा काफ़ और या जो बिना नुकतों वाला या जो होता है अरबिक में वो अलिफ़ की तरह से पढ़ा जाता है यानी वा वाओ काफ और जो ये या है लेकिन इसके नीचे नुकते नहीं हैं तो इसको अलिफ़ की तरह पढ़ेंगे वका पढ़ेंगे इसको वकी नहीं पढ़ेंगे इसको वाव काफ और या ठीक है इसी तरह से दूसरा लफ्ज है ता काफ़ और या ये काफ जो है ये या जो है इसके नीचे दो नुकते हैं इसलिए इसको तकी पढ़ेंगे तका नहीं पढ़ेंगे अब इसके जमन में देखिएगा इससे क्या मुराद है वक़ा या तकी का मतलब होता है वक़ा या यकी का मतलब होता है क्या होता है बचाना जैसे हम दुआ करते हैं बहुत सारी हमारी दुआ हर दुआ में हमारे जो है वक़िन आहदाबनार वक़िन आहदाबनार व ना आदाब अन्नार इस तरह से हमारी दुआ में ये अल्फाज आते हैं तो असल जो रूट वर्ड है मुतकी जो जिसको कहते हैं बड़ा मुत्तकी है बड़ा परहेजगार है जैसे परहेजगार इसका वो बनता है तर्जुमा तो मतलब क्या है तो मतलब ये है कहने का कि वक़ा यकी तक़ा ये सब इसी से बने इसका मतलब है बचाना तकवा से मुराद है कि बुराई से इंसान अपने आप को बचाए ठीक है तो वो इंसान जो अपने आप को हर बुराई से बचाता है जो फजूल मार्केटों में नहीं घूमता या कोई और इस तरह के काम नहीं करता जितना हो सकता है अपने आप को बचा के रखता है वो इंसान है मुतकी अब इंशाल्लाह आगे चल के इसकी डेफिनेशन कुरान में ही बार इंशाल्लाह इनशाला आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इससे क्या मुराद है तकवा असल में क्या है अल्लाह तुद ही इसको एक्सप्लेन करेंगे एक आम जो मोटी सी असिला है वो ये है कि अपने आप को बुराइयों से बचाना ठीक है जी उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड आयत आ रही है वो क्या है अल्लादीना यु मिनना बिल गैब अब ये बहुत बड़ी चीज़ है बहुत जिसको कहते हैं तमाम जितना भी दारो मदार है हमारा वो दारो मदार सारा हमारा जो है वो इस पर है गैब पर हमारा ईमान है अल्लादीना यु मिन बिल गैब कौन है वो लोग मुत्तकी मत्त, पर हीजगार कौन है कि जो क्या करते हैं ये पूरा रब है इनका और ये देख लीजिएगा एक मोटी सी बात इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आयत नंबर दो से लेकर और आयत नंबर पांच तक इन शाह आप देखेंगे कि ये एक ग्रोह के बारे में एक शख्सियत के बारे में हमें बताया जा रहा है मैं आपको पहले नोट डाउन करा दू ये पहली आयत नंबर एक जो है वो क्या है हरूफ मुकत्ता आत है ये एक सेपरेट है इंडिविजुअल आयत है लेकिन उसके बाद आयत नंबर दो से लेकर और आयत नंबर पांच तक जो है ये एक शख्सियत के बारे में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं पहले हम इसकी वजाहत करेंगे इन शोर्स करूंगा तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि मुतकी लोग क्या हैं उनकी सिफात क्या हैदीना बिल गैब वो लोग क्या करते हैं कि जिनका गैब पर ईमान होता है अब गैब क्या है हर वो चीज जिसको हमारी आंख नहीं देख सकती अब उसकी चंद मिसालें दे देता हूँ मिसाल के तौर पर सबसे पहली हस्ती क्या है अल्लाह ताला है हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते ना किसी ने रहती दुनिया में अब तक देखा है लेकिन यह कि इन शाह हमारी मुलाकात होगी मैंने कल भी ये बात बताई थी कि ये मज़मून जो है वो सात मरतबा कुरान अज़ीम में आएगा कि हम अल्लाह ताली से मुलाकात करेंगे लिहाजा मकसद कहने का ये है कि अल्दीन युक मनू न बिल गैब ये सबसे पहला हमारा चैलेंज है कि हमें चीज़ें अपनी आँखों से दिखती नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस पर पूरा पूरा ईमान रखते हैं अल्लाह ताला हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हमें पूरा पूरा ईमान है कि अल्ला अल्लाह ताला का वजूद है अल्लाह ताला मौजूद है अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज़ आती है फ़रिश्ते हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हमारा पूरा पूरा ईमान है कि फरिश्ते हैं इसी तरह से हमारा ये ईमान भी है कि जिन्नात बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है इसी वजह से मैं इसको जो है गैब के ज़िमन में लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल आगे चल बहुत सारे लोग जो है आगे चल के जो है वो इस तरह से भी सवाल करते हैं क्या जिन्नात का भी वजूद है लाजमन है टू हंड्रेड परसेंट जन्नात का भी वजूद है ये कोई ऐसी कयास वाली बात नहीं है लाजिमन इनका जो वजूद है और ये भी हमारे लिए गैब में है हम इनको देख नहीं सकते ठीक है जी तो इसमें क्या फरमाया जा रहा है फिर और उसके अलावा क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा हमारे लिए जो आज की जो उम्मत मौजूद है या आज के जो लोग मौजूद हैं उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि रसूल जो जो तमाम रसूल जो गुजरे हैं वो भी सारे गैब में हमने मोहम्मद रसोल वसम को नहीं देखा या हमने तमाम अम्बिया में से रसूल में से किसी को भी नहीं देखा लेकिन हमारा उन पर ईमान है ठीक हो गया जी अच्छा उसके बाद जो नुकता आ रहा है वो आ रहा है व्यूकी मुन सलात अब देखिएगा ये युकी मून असलात जो बना युकी मून जो लफ्ज बना है ये किससे बना है ऊपर एक लफ्ज आया था मैं बताना भूल गया यु मिन यह लफ्ज़ असल जो है अलिफ मीम नून अमन है जिससे बना है ईमान और उससे बना यु मिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आगे चल के आपको इसी के इसी गुरु के आखिर में इसी शख्सियत के आखिर में मैं आपको ईमान और एहसान वाली हदीस भी इन शाली रखूँगा लेकिन अभी इस बात को देखिए क्या है वो बात मिनून से क्या मुराद है कि जो लोग ईमान रखते हैं असल वर्ड था अलिफ मीम नून अमन उससे बना ईमान और उससे फिर ये लफ्ज बना यू मिनून जो कि जमा का सीगा है ईमान लाते हैं अब ये मुसलमान और ईमान इन इस पर बात करेंगे तो क्या मुराद है इसे अल्लादीना मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो लोग अल्लादीना का मतलब है वो लोग युना यु मिनूना के जो ईमान लाते हैं बिल गैब गैब पर जो ईमान लाते हैं इसी तरह से बिल कुरान कुरान पर ये बा अलिफ और लाम जो आता है ये बिल से मुराद है के साथ इसका इससे इसका तर्जुमा होता है के साथ बिल गैब से मुराद है कि गैब पर ठीक हो गया जी वयुकीम जो है मैं बता रहा था कि ये जो है वो किससे निकला है व्युकैम से मुराद है कि कायम करने वाली चीज़ जो चीज़ होती है व युमन से मुराद है कि वो कायम करते हैं नमाज को अब मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार ये बात बता चुका हूँ कि कुरान में जो है वो सेवन हंड्रेड टाइम्स जो है वो नमाज को कायम करने की जो है वो हमें तलकीन दी गई है अब इसमें सबसे सब पहली चीज़ ये देखिएगा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे चंद जो है वो आयात रेफरेंस के तौर पर रखने वाला हूँ बहुत थोड़े से कि मैं स बारह जो है इस तरह के मैं रखने वाला हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी इस चीज की अहमियत भी पता चले हर बार सिर्फ ये कह देना कि सेवन हंड्रेड टाइम जो है वो आया है ना काफी रहेगा इसमें सबसे सब पहला रेफरेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं सूरत उल का आयत नंबर तीन अभी जो हम पढ़ रहे हैं बनफसे नफीस ये खुद जो है एक रेफरेंस है क्या है अल्दीन युक मिनबी व युकीम असलाता व मुम्मा रज़नामफ़िकून सबसे पहली तलख़ी अभी आप देखेंगे कि कुरान हमने खोला है और दूसरी सूरत है हमारी सूर्य फ़ातहा के बाद और फ़ौन फ़ौर जो है वह हमें तलखीन की गई है कि वो लोग कि जो क्या करते हैं नमाज को कायम करते हैं अब मैंने आपको ये बात तो बताई है कि सेवन हंड्रेड टाइम्स जो है इसका जिक्र आया है लेकिन आप देखेंगे कि मुनासबत के हिसाब से भी कि अल्लाह ताली इसको किस जगह पर लेकर आ रहे हैं मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि 700 हंड्रेड टाइम्स यही कि कहीं भी ऐसी अलटब कहीं भी बात जो है रख दी गई है बहुत आप इसका मकाम भी देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने कहां पे अल्लाह ताला ने जो इस चीज की तलखीन की है यानी तलखीन का अंदाज भी आप देखिएगा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इसकी तलखीन की नमाज के जमीन में बता रहा हूं मैं आपको दलील नंबर एक है बकरा की आयत नंबर तीन बता चुका हूं उसके बाद देखिएगा बकरा में जो है फिर दूसरी बार इसकी तलखीन आई है सूरत नंबर आयत नंबर फोर्टी में वकीीम सलाता व आत ज़काता वर क़ा माक़ीन कि क्या करो नमाज़ क़ायम करो ज़कात अदा करो और वरक़ा मर राकिन और झुकने वालों के साथ या रुकू करने वालों के साथ रुकू करो सूरतुलबकर आयत नंबर फोर्टी थ्री फिर उसके बाद तीसरी बार जो है सूरतुलबकर में ही जो है वो इसका दोबारा से तलखीन आ रही है वस्तीन बस क्या करो जो है क्या कहते हैं इसको वसतयी व के सब्र की जो है वो तलकीन करो सब्र की जो है वो सब्र की जो है वो वसीहत करो नसीहत करो बिसबरी और सलात के फिर क्या करो के सलात जो है यानी नमाज जो है इसको कायम करो व अन नहा नकबीरतन बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत भारी बोझ है अलाखाशीन सिवाय इसके जो अल्लाह की खशियत रखते हों ये बकरा की है ये भी आयत नंबर और ये आयत नंबर है फोर्टी फाइव तो क्या फरमाया गया कि सबर की तलकिन करो सबर को जो है वो कायम करो सबर से जो है वो मदद लो और क्या करो नमाज कायम करो बिला शुबा ये नमाज बड़ा भारी बोझ है पांच वक्त की नमाज पढ़ना ये बहुत बड़ा चैलेंज है अगर मर्द हजरात हैं तो उनके लिए भी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना अपने सारे कामों को छोड़कर जो है वो जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है लेकिन सिवाय किन के उन लोगों के कि जिनके दिलों में अल्लाह के लिए खशियात है जिनका दिल जो है वो इस चीज़ पर आमादा हो गया कि नहीं नमाज़ अल्लाह की तरफ से है और यह लाजिमन हमें ये काम करना पड़ेगा उनके लिए तो ये बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं है उनका तो यह मामूल में वो चीज़ आ चुकी है लेकिन यह है कि क्या फरमाया जा रहा है व अन नहा लकबीरतन शुबा ये बहुत बड़ा भारी बोझ है अलखाशीन सिवाय उनके कि जिनके दिल में अल्लाह की खशियत है अब इसमें देखिएगा जो जो इस तरह के लोग हैं कि जिनको माँ कहती है बाप कहती है, है नमाज पढ़ लो नमाज पढ़ लो उन पर तो ये बहुत भारी बोझ है लेकिन यह कि जिन्होंने इसकी कीमत को जाना है इसको कद, इसकी कदर व कीमत को जाना है उनके लिए आप देखेंगे कि वो तो वक्त से पहले जो है वह नमाज के लिए तैयार होते हैं फिर इसके बाद जो है पांचवी दलील जो है वो क्या है वह अकीम उससलाता व आत उस जकता वमा तो मूल अनफुमिन खैर तद इन की देखो नमाज कायम करो और जक़ात अदा करो मा तोमूल अनफु कि जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे क्या मुराद है जो कुछ भी तुम्हारे अमाल हैं जो कुछ भी तुम्हारे अमाल हैं वो तुम पाओगे अल्लाह ताला के तो मैं ये बता रहा था के अीम्सा व आतुल ज़क़ात व ममा तो कद्दमोल अनफ कि जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे जो भी तुम्हारे जो है वह अमाल हैं वो सब है, वो सब कुछ तुम जो है वो हाजिर और नाजिर पाओगे जो भी कुछ तुम अल्लाह ताला की तरफ जो है भेज रहे हो यानी जो भी हमारे नेक अमाल हैं जो लिखे जा रहे हैं हमारे नाम अमाल में वो हम इन श्ल जब हमें दोबारा उठाया जाएगा वो सब कुछ महफूज रहेगा उसमें ऐसा नहीं है कि कोई अमाल जो है कोई अमल आपका जो है वो झायल किया जा रहा है ज़ाया किया जा रहा है सूरतुल्बकर की आयत नंबर एक सौ दस वैसे तो इसमें सात सौ आयात अगर मैं रख सकता हूं लेकिन यह कि इसमें पांच आयात जो है मैंने रखने की कोशिश की है ये बात हो रही थी वह युकीम मुनसलाता की जो लोग नमाज कायम करते हैं एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा सा रुझान दिलाना चाहता हूँ वो क्या है हमने जो जाना है नमाज को वो सिर्फ पांच नमाजें हैं लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी नमाजें जिनकी बहुत ज्यादा फजीलतें हैं जैसे मिसाल के तौर तो पर हमारा मामूल क्या है कि हमने फजर की नमाज़ पढ़ी उसके बाद फिर हमारा मामूल ये होता है कि फिर उसके बाद तकरीबन आठ से दस घंटे बाद जो है फिर दोबारा हम लौट के अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है इसमें क्या है बहुत सारी और भी दूसरी नमाजें हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा फजीलत है आज मैं आपके सामने जो है उसी तरह की एक नमाज की फजीलत रखूँगा जिसको इशराक की नमाज कहते हैं इशराक की नमाज के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डिज़ाइन्स बने हुए हैं मेरे पास जो है वो है इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसके डिज़ाइन भी शेयर करूंगा क्लास के बाद लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूं नंबर भी बताता हूं इसमें क्या है कि अल्लाह फरमाया नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबी करीम ने फरमाया कि जिसने नमाज फजर जमात से पढ़कर फिर उस वो जो है मुसल्ले पर बैठा रहा जहा नमाज पर बैठा रहा यहां तक कि सूरज निकल गया फिर उसने दो रकात पढ़ी उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब जो है वो मिलेगा ये मैं हदीस बता दूं आपको जाम त्रिमिदी फाइव एट सिक्स ये हदीस है अब देख लीजिए कि जिसमें वही बात है कि जिसमें जितनी ये तमा पैदा हो गई है कि सवाब हासिल करना चाहे अब आप देखें जो फर्ज नमाजें उसके उसके हट के मैं ये बात बता रहा हूं एक हज और एक उम्रे का सवाल तो यहां पे अगर किसी को शक पैदा हो जाए कि ये क्या बात कह दी सर ने ये तो बात हमें पता नहीं थी तो यहां मैं आप सरसलम के जो अल्फाज हैं जो हदीस के अल्फाज हैं वो अदा कर दूं ताम मतन पूरा का पूरा ताम मतन पूरा का पूरा ताम मतन पूरा का पूरा यानी हज और उम्रे का सवाब यानी ये है कि बहुत बड़ी लगी होगी ये चीज कि ये क्या कह दिया कैसे हो सकता है दो रकात अगर हम नफिल पढ़ लें कि वो मुसल्हे पर हम बैठे रहें और उसके बाद हम दो रकात पढ़ें पूरा पूरा हज और उम्र का सवाब यानी हज इंसान अगर करता है तो उसमें तो ये समझ लीजिए कि सात आठ लाख जो है मिनिमम उसका खर्चा आता है फिर उसके बाद अगर उम्र करना कोई इंसान चाहता है पाकिस्तान से अगर वो चलता है तो दो लाख ढाई लाख जो है वो उसमें मामला होते हैं तो मकसद कहने का ये है कि तकरीबन दस लाख का पैकेज जो है सिर्फ दो दो रकात में हमें मिलता है जाम तरमिदे की हदीस है फाइव एट सिक्स कि जो इंसान ऐसा करे कि जो नमाज फजर पढ़ने के बाद अपने मुसल्ले पर बैठा रहे और उसके बाद जो है अल्लाह का ज़िक्र करता रहे और उसके बाद जो है यह है कि बेवजू ना हो जाए वो जा नवाज पर बैठा रहे अल्लाह का जिक्र करता रहे और उसके बाद जब सूरज जिस तरह से चढ़ता है शराब का जो वक्त होता है इसके बारे में जो है वह आप इन कोई अगर सवाल हो तो वह ग्रुप में कर सकते हैं क्यू टी सी में टैक्स के ऊपर मैं मज़ीद गाइड कर दूंगा फिर उसके बाद अगर कोई इंसान दो रकात अगर वो पढ़ता है तो क्या करता है ताम मतन पूरा का पूरा यह आप ने तीन बार इन अल्फाज को अदा किया कि तुम्हें कहीं शक शुबा ना हो जाए कि ये बात क्या कह दी गई ताम मतन पूरा का पूरा ताम मतन पूरा का पूरा ताम मतन पूरा का पूरा उसको जो है वो अजर इन शाह उसको मिलेगा इसी तरह से जो है वो फर्ज नमाजों के बाद जो सबसे ज्यादा फजीलत मिलती है वो तहजुद की नमाज मिलती है क्योंकि उस वक्त जो है वह अल्लाह का तुजूल होता है अल्लाह ताला जो है अपने अर्श से उतर कर जो है वो पहले आसमान तक आते हैं जो उसके शान है नज़ूल का जो भी उसका है वो हमें वो चीज़ें नहीं दिखती लेकिन ये सारी चीज़ें तो इसमें क्या होता है अल्लाह ताला के नज़ूल का वक्त होता है जो कि आधी रात के बाद से यानी तीन बजे के बाद से वो वक्त जो है शुरू होता है इंशाल्लाह उसकी हदीस में बना चुका हूँ मैंने रिसेंटली जो है उसको शेयर भी किया अल्लाह यान ग्रुप में वहाँ मजीद डिटेल उसकी जो आप देख सकते हैं रेफरेंस भी वहाँ से पिक कर सकते हैं आप लोग दोबारा मैं इंशाल्लाह ताला उसको शेयर कर दूंगा मकसद क्या है कि हमने जो आज रविश किए फजर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर जहर तक हम पलट कर नहीं आते अल्लाह ताला के पास तो ये हमारा नमाज को कायम करना नहीं है इसी तरह से हम देखें कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फजर तक जो है वह हम मुंह नहीं दिखाते अल्लाह ताला को ये भी रविश नहीं है इन शाह प्रॉपर लेक्चर बना के मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि नमाज का तरीक़ेकार क्या है हमने जो आज रविश इख्तियार किए खास तौर से मर्दों ने जो रविश इख्तियार किए औरतों का भी क्या कहना है माशाल्लाह मर्दों के भी मामले आती हैं कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं सारी नमाज कंप्लीट एक ही झटके में वहाँ अदा करके और उसके बाद बिल्कुल अल्लाह को जिसको वो डॉक्टर इसरार रम्ला जो है वो अलाह इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ताला को मस्जिद के अंदर लॉक करके और उसके बाद फिर जो है वह हम वहाँ से आ जाते हैं ये तरीक़ेकार बिल्कुल भी नहीं है अल्लाह की याद से कोई लम्हा भी जो है वह आपका जो है दिल है वो गाफिल ना हो इसीलिए यहाँ पर नमाज पढ़ने का लफ्ज नहीं आया सलात अब ये है वो लफ्ज खुल के आ रहा है इतनी लंबी बात जो है इस जमन में करना पड़ी मुझे कि नमाज को कायम करते हैं कायम से मुराद क्या है कायम और दायम जिसको हम कहते हैं कि नमाज को कायम करने से मुराद है कि हमेशा कायम रहती है इसकी जिंदा एक मिसाल मैं आप लोगों को और दूंगा वो क्या है मिसाल के तौर पर जब हम यहां से जिद्दा से जब हम मदीना जा रहे होते हैं तो बीच में कुछ इस तरह की मसाजिद अब जाहिर सी बात है हम तो ट्रैवल हैं ट्रैवलर हैं तो उसमें हम जो है वो क्या पढ़ते हैं हम जो है उसमें वो जो क्या कहते हैं उसको हम तो वो पढ़ते हैं उसमें जो सफर की जो नमाज होती है यानी चार रकात है तो उसको जो है हम दो रकात पढ़ते हैं वहां जो बीच में जो मस्जिद जो मस्जिदें जो होती हैं उनकी उनके क्या मामला होते हैं उनके मामला ये होते है हैं कि उसमें थोड़े लोग जो है मस्जिद में जाते हैं क्योंकि सफरी मस्जिद है वो थोड़े लोग जाते हैं थोड़े लोग बाहर निकलते हैं थोड़े लोग जाते हैं थोड़े लोग बाहर निकलते हैं फिर थोड़े लोग जाते हैं तो असल जो नमाज कायम हो रही है वो इस तरह की मसाजिद में जो है वो नमाज कायम हो रही है ये बहुत ज्यादा हमें सोच विचार करने वाली चीज है कि हम अल्लाह ताला के साथ क्या मामला करते हैं ठीक है जी तो लिहाजा ये रविश बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि फजर के बाद आप मां सलामा कर देते हैं अल्लाह ताला को और उसके बाद लौट कर जो है फिर जोहर में आते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए इशराक की नमाज पढ़ सकते हैं इसी तरह से इनशाला फिर इसमें मैं जब नमाज के प्रॉपर लेक्चर बना के जब नमाज का रखूंगा इनशाला आधे घंटे का एक घंटे का उसमें प्रॉपर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी तरतीब जो है वह नमाज के बारे में क्या होनी चाहिए कितनी रकाहत है सुन्नत मौक् क्या है किस तरह से तहजद क्या है और इन वितर क्या है वो प्रॉपर एक लेक्चर इनशाला बना के रखूंगा नमाज एक कंप्लीट जो है वो प्रॉपर एक लेक्चर है यहां फिर उसके बाद ये है मैं बता रहा था कि इशराक पढ़ सकते हैं और ये याद रखिएगा इशराक है या फिर वो सलात ये जो है दोहा है या फिर जो अवाबीन है ये औकात के नाम है या मोटी सी बात बता दूं मैंने इस टॉपिक को छेड़ा है तो ये अवात के नाम है ये नमाजों के नाम नहीं है बहुत सारे लोगों को जो है वो ये मुगालता होता है कि नमाजों के नाम है ये नमाज के नाम नहीं है बल्कि ये अवकात के नाम है अगर आप दो या चार रकात आप इशराक के वक्त पढ़ते हैं तो वो आपने इशराक की नमाज पढ़ी इससे मुराद यह कि जो शर्क जो हुआ शुरू जो हुआ है जो सूरज चढ़ के ऊपर आया आपने उस वक्त में नमाज पढ़ी है इसी तरह इसी तरह से दोहा जो है क्या मुराद है कि जब सूरज और ज्यादा ऊपर चढ़ के आ गया और अच्छी तरह से उसकी रोशनी फैल गई तब आपने वो जो है अदा की तो ये सलाह तो दोहा कहने में आती है चीज लेकिन वो वक्त का नाम है इसी तरह से अवाबीन जो है ये एक वक्त का नाम है कि जब वो ऊँटनी के जो बच्चे हैं उनके पैर जलने लगते हैं तो वो अवाब वो तवाब और अवाब और तोबा ये सेम उसी से जो है जो, जो लफ्ज़ है जो तोबा जो लफ्ज़ है उसी से बना अव्वाब अव्वाबीन तो वो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि वो पलट के अगर आपने उनके लिए कोई छपड़ा बना रखा है तो वहां से वो रेत से हट के फिर वो लौट कर आते हैं तो ये वक्त तकरीबन जो है वो ग्यारह बजे का होता है ठीक हो गया जी लिहाजा यहां मोटी सी बात बताने वाली यह थी कि हमें यह रविश इख्तियार नहीं करना चाहिए कि हम फजर के बाद जो है फिर जोहर में अल्लाह से मुलाकात करें इसी तरह से ईशा के बाद जो है फिर हम दोबारा जो आठ दस घंटे का हमारे बीच में गैप आए बल्कि इसके बीच में भी कुछ में जल्द आप लोगों को तरतीब बताऊंगा कि नमाजों की क्या तरतीब है सत्रह रकाते तो समझ लीजिए इशा में हैं लेकिन उसको एक ही झटके में अदा कर देना यह बिल्कुल भी सही नहीं है इनशाला आगे चल के इसकी तरतीब रखेंगे उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो क्या है अच्छा जिन लोगों के सामने बात की जाती है कुरान की वो कहते हैं भाई हम नमाज पढ़ते हैं हम ये काम दो चार चीज़ें वो जो है इनकी चीज़ लेकर आते हैं लेकिन मुझे ये बताइए कि जो अगला जो पॉइंट आ रहा है वो उस पर करते हैं व मम्मा रखना हूँ युनफिकून जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दे रखा है अल्लाह ताला डिमांड करते हैं व मम्मा रखना हूँ और जो कुछ भी हमने इनको दे रखा है उस वो जो है वो क्या करते हैं युनफिकून उसमें से निफाक करते हैं अब ये रज़क ना हम रिस्क हमें पता है क्या है ठीक है ना एक ही असिलाह हमें उसकी पता है रिस्क है मुराद हमें लगता है खाने पीने की चीज़ें रिस्क के बारे में बारह में आप लोगों को अर्ज कर चुका हूँ कि रिस्क जो है वो सेहत भी है रिस्क जो है वो फारि वक्त भी है किसी के पास अल्लाह ताल फारि वक्त किया है तो उससे ज्यादा उसकी पकड़ होगी कि उसके पास फारिग वक्त है इसी तरह से जो है फिर और क्या है फारग वक्त है सेहत है इसी तरह से जहानत है और फतानत है किसी इंसान का दिमाग जो है माशाल्लाह बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला है उससे उसी के हिसाब से सवाल होगा कि हमने तुम्हें जो है वो ऐसा दिमाग दिया था कि तुम तदब्बर और तफक्कुर तक तुम ले जा सकते थे तुम हर दुनिया के काम में जो है बड़ी खूबसूरती से उस काम को करते थे लेकिन क्या तुमने ये दिमाग जो है क्या तुमने ये जवानी जो है ये तुमने हमारी राह में लगाई ये तुमने हमारे उस कलाम में लगाई जिस जिसके लिए हमने तुम्हें दिया था यानी जिसमें जैसी जहानत पाई जाती है उसी हिसाब से वो उस प्रोफेशन को पकड़ता है मिसाल के तौर पर वो बहुत ज़्यादा जहीन है तो वो कोई डॉक्टरी की कोई लाइन पकड़ेगा उसमें लेके अपनी जहानत को जो है लोहा मनवाएगा उसका लेकिन क्या हम कुरान के साथ ये मामला करते हैं कुरान के साथ हमारे मामला होते हैं कि जी हम बस तर्जुमे से पढ़ लें और कल बस सिर्फ वी कटा के शहीदों में नाम लिखवाने वाली बात होती है कुरान के साथ दीन के साथ मामलाते हैं कि हकीर से हकीर चीज भी कुछ हो सके तो बस ये कि खाना पूरी करने वाली चीज होती है वजह क्या है वजह यह है कि सिर्फ हम जबान से कहते हैं मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कह रहा हूं हाथ जोड़कर कि हम सिर्फ जबान से ये अल्फाज अदा करते हैं हमारा ईमान नहीं है हमारा यकीन नहीं है समझ लीजिएगा इस बात को तो यहां पे क्या चीज है रिस्क में मैंने आप लोगों को काफी चीजें बताई एक तो यह है कि माल है दौलत है पैसा है मिसाल के तौर पर मिडिल क्लास वाला इंसान है जो भी सैलरी आती है तीस हजार चालीस हजार पचास हजार वो तो सारा खा के हाथ झाड़ के बैठ जाता है तो क्या बरोज क्यामत वो ये दलील अल्लाह तला के सामने ये हजत कायम करेगा या अल्लाह हमारे पास तो कुछ था ही नहीं खर्च करने के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं अल्लाह तला ने तुमसे तुम्हारे हाथों के बारे में सवाल करना हमने तुम्हें हाथ दिए थे तुमने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया हमने तुम्हें दिमाग दिया था तुमने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया हमने तुम्हें दिमाग दिया था तुमने कैसे उस दिमाग को जो है वो बुरोए कार लाया किस तरह से फारिग वक्त हमने तुम्हें दिया था तुम आठ घंटे की जॉब करने के बाद तुम काफी चीजों से फारिग होते थे क्या करते थे तुम उसमें तो ये चीज है रिस्क जो है अगर कोई इंसान ये समझ के बैठा है कि सिर्फ खाने पीने की चीज को सिर्फ हलवियात को रिस्क कहा जाता है बहुत बड़ी गफलत में वह अपना वक्त गुजार रहा है हमें सिर्फ यही एक असलाह पता होती है कि रिस्क से क्या मुराद है जी रिस्क से मुराद है जी कि वो पैसा जो खर्च करते हैं हम बस जिसके पास है वो खर्च करे जिसके पास नहीं है वो हाथ झाड़ के खड़ा हो जाए बरोज क़यामत भी वही कह देगा अल्लाह हमारे पास तो था ही नहीं हमारे पास तो अपना नहीं था पूरा करने का तो इस तरह से अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पेट भर के खाना खा पाते हैं बाकी दुनिया में मेजोरिटी में तो लोग ऐसे हैं कि जो तीन टाइम का भी खाना नहीं खा सकते तो यहां पे बात क्या बताई जा रही है जो पर्दा में उठाने वाला था वो क्या था कि वकनाफिकून जो भी कुछ हमने उनको रिस्क दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं अब ये अपनी सलाहियतें जो हैं मिसाल के तौर पर किसी किसी के पास बोलने का हुनर है सबसे ज्यादा वो जो है वो इस चीज में लेकर आए कि वो कुरान को सीखे उसके, उसके बाद उस बोलने के हुनर फजूल बातों से हटके वो इस चीज में जो है अल्लाह के इस काम में लगे कि ये है असल वो चीज कि अर्रहमान अलमल कुरान अम बयान अल्लाह ने तुम्हें यह जो है तुम्हें इस चीज से अल्लाह ताला ने नवाजा है कि तुम जो है तुम्हारे तुम्हारे पास जो है वो बयान करने की जो है तुम्हारे पास सलाहियत है जानवर के पास ये सलायत नहीं कि वो अपनी बात को बयान कर सके सिर्फ इंसान एक ऐसी मखलूक है जो अपनी बात को बयान कर सकता है अलमल कुरान और फिर उसने इसलिए तुम्हें ये बयान वाली जो कैफियत है बयान की जो नेमत तुम्हें इसलिए दिए ताकि तुम कुरान को बयान करो तो यहां पर रिस से मुराद बता चुका हूं अब यह जो अगला लफ्ज आ रहा है यून फिकून जरा इसको देखिएगा यह लफ्ज जो है इसका जो रूट वर्ड जो है वो क्या बना है निफाक ये जो रूट वर्ड है निफाक इसमें दो वर्ड हैं एक है इनफाक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आगे चल के बेश बहा यह अल्फाज आने वाला है लिहाजा इसको अच्छी तरह से इसको देखिएगा एक लफ्ज है निफाक नून फा अलिफ और काफ ये निफाक से क्या मुराद है अल्लाह की राह में खर्च करना एक है इनफाक वो हमजा लग जाएगा जेर के साथ वो क्या है इनफाक से मुराद ये हो जाएगा ये सॉरी इनफाक से मुराद है अल्लाह की राह में खर्च करना और निफाक से मुराद है क्या निफाक से मुराद है जो मुनाफकत इंसान करता है समझ आ गए मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं ताकि बात का जो है वो खिचड़ी ना बने इनफाक से मुराद है अल्लाह की राह में खर्च करना इनफाक से मुराद है अल्लाह की राह में खर्च करना और निफाक से मुराद है निफाक से क्या मुराद है कि जो इंसान मुनाफिकत करता है ठीक है ना बात समझ में आ गई तो वमिम्मा रखना जो भी रिस्क हमने अपने बंदे को दे रखा है वो उसमें से खर्च करता है बहुत लंबी बात हो चुकी है अलहमद आयत नंबर चार क्या आ रही है जी इसके बारे में ल्लीना ये तमाम चीजें जो हैं जब इसको इंक्लूड करेंगे कंक्लूड करेंगे तो एक शख्सियत का नक्शा खींचेगा मैं आगे चल के आपको बताऊंगा वल्लीना यु मिनुना बिमा उनका वमा उन जिला मिन कब्लिक कि वो लोग जिनकी ये मुत्तियों के बारे में जो अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तकवा असल में है क्या तकवा क्या है जी सबसे पहली चीज ये अब इसको इसकी लिस्ट बनाइएगा सबसे पहली चीज तकवा की यह है कि तुम अल्लाह की किताब मर कोई शक ना रखो किताब लारफी ये वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं सबसे पहली चीज़ क्या है जो विनर होंगे बरोज़ क्यामत जो करार पाएंगे उनकी सबसे पहली पहचान क्या है कि वो कुरान में कोई शक नहीं रखते थे दुनिया में वो कुरान में कोई शक नहीं रखते थे नंबर वन नंबर टू क्या है कि वो ईमान रखते थे गैब पर गैब में अल्लाह तला आ गए फरिश्ते आ गए जन्नात आ गए या रसूल अंबिया तमाम जितनी भी चीजें जो इंसान की आंखें नहीं देख सकती वो चीज फिर उसके बाद क्या है नंबर तीन चीज क्या है कि वो नमाज कायम करते हैं ठीक है जी नमाज कायम करते हैं नंबर चार नंबर पांच क्या है कि जो भी कुछ अल्लाह ताला ने उनको दे रखा है जो भी जिस तरह से भी वो दीन की खिदमत कर सकते हैं उसको बुरुए कार लाते हैं और फिर उसके बाद नंबर पांच क्या है नंबर पांच क्या है वल्लना युमिनूना बिन बिमा उनका देखो ये बड़ा नुकता जो है बड़ा अहम नुकता है वो क्या है वल्लीना यु मिनुना बिमा उन इलैका अब ये काफ जबर का आ गया मैं पहले ही बता चुका हूं आपके इसके बारे में वल्लीना वो लोग ईमान जो ईमान लाते हैं यु मिनुना बीमा उन जिला का यानी ए मोहम्मद वसल्लम जो आप पर नाजिल किया गया है यानी इसकी बिल्कुल आम सी असलाह क्या होगी कि वल्लीना यु मिनुना बीमा उनही का के ए नबी वसल्लम वो लोग मुतकी कौन है वो लोग लो हैं कि जो ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया अब ये नाजिल के जिमन में भी मैं बारह हाँ आप लोगों को बता चुका हूं कि हमें लगता है कि सिर्फ कुरान जो है ये अल्लाह ने नाजिल किया है मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि मोहम्मद रसुल्ला ने कोई भी बात जो है वो अपनी बुनियाद पर नहीं की है मैं बता चुका हूं बारह आज मैं इस बात को खुल खुला के रखूंगा इन थोड़ी सी बात करूंगा आगे मजीद इसको उठा के रखूंगा आगे के लिए देखिए एक बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हमें आज लगता है कि जो हदीस है ये मोहम्मद रसुल्ला अपनी जहानत अपनी फतानत पर उन्होंने बात की अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि हदीस भी अल्लाह ताला का कलाम है हदीस भी अल्लाह ताला का कलाम है बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है जो मैं बता रहा हूं हदीस भी ऑथेंटिक हदीस हो हाँ उसमें यह है कि छान पटक करना पड़ेगी उसमें ज़ईफ है उसमें मौजू है उसमें बहुत ज़्यादा जो है करप्शन बीच में जो खबीस किस्म के लोग थे तो उन्होंने करप्शन घुसेड़ा जो मौजू रिवायत है मन घड़त चीज़ें वो सारी छान पटक करने के बाद जो हदीस जो है वह आ जाती है ऑथेंटिक हदीस जो आ जाती है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद और रसुल्ला ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा दिल ऐसा सोचता है मेरा दिमाग यूं करता है बल्कि उन्होंने जो भी बात की अल्लाह ताला की तरफ से वही थी या फिर उन्होंने जो भी बात की अल्लाह ताला की तरफ से उनको ख्वाब दिखाया गया था या अल्लाह ताला की तरफ से कोई आवाज सुनाई गई थी बात समझ में आ रही है तो लिहाजा हदीस भी जो है वो अल्लाह ताला की ही तरफ से है और यही वजह है कि बारह अल्लाह ताला ने जो है मोहम्मद रसुल्ला का मुकदमा है कि जिसने अल्लाह की अतात जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की अतात की गोया वाकता उसने जो है वो किसकी अतात की उसने अल्लाह की अताात की अल्लाह ताला जो अथॉरिटी जो मोहम्मद रसुल्ला को दे रहे हैं वो इस बुनियाद पर कि महम्मद रसोल्ला ने कोई बात अपनी तरफ से नहीं की लिहाजा अब यहाँ पर वो बात समझने वाली है जो खुतिन के सामने कभी कभी हदीस पेश की जाती है बड़े धड़ल्ले के साथ मैं पहले भी इस मौजू को जो है ला चुका हूं कि बड़े धड़ल्ले के साथ वह जवाब देती हैं कि नहीं ये तो हदीस से है जी कुरान से दिखाइए क्या है लिहाजा वो इंसान जो ये अल्फाज़ अदा करता है कान खोल के समझ लीजिएगा इस बात को जो खातून या जो मर्द ये अल्फाज अदा करता है कि नहीं हदीस से नहीं कुरान से दिखा वो इंसान भी काफर है खुले अल्फाजों में वो इंसान काफर है कि जो अल्फाज अदा करता है कि नहीं हदीस से नहीं कुरान से दिखाओ मैं बहुत टाइम तक इस केस को लड़ता रहा हूं और अपने खानदान में इन चीजों को लेकर लड़ता रहा हूं कि किसी के सामने जब हदीस पेश की जाती है वो कहते हैं हदीस से नहीं, कुरान से दिखा कुरान में कहा लिखा तो ये कुरान और हदीस ये दोनों एक ही की तरफ से नाजिल है मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने कोई बात जो है सूरत नजम की आयत नंबर आयत नंबर तीन और चार में क्या फरमाया जाता है कि ये जो नबी है ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता बल्कि जो हम वही करते हैं अब वही ये चीज़ में ये चीज मैं बता चुका हूं कि वही जली भी है जो कि आप फरमा तशरीफ़ फरमा है असहाब कराम के साथ हैं या आप अपनी अजवाज मुताहरात के साथ हैं तो वो वही आ गई वो सबको दिखा और ये कि ऑफिशल तरीके से वही आई लेकिन ये कि वही खफी नाम की भी एक चीज़ है वो हमें पता नहीं उसके बारे में वही खफी क्या है कि थोड़ा सा टेक लगाया टेक लगा के थोड़ी सी आँख लगी कोई आवाज़ आ गई गैब से या मिसाल के तौर तो पर बहुत सारी ऐसी हादिस मिलती हैं कि नमाज के लिए नियत बांधी और हाथ दोनों दोनों हाथों से ऐसे झटक रहे हैं तो पूछा साहब कराम ने क्या मामला थे क्यों आप इस तरह से कर रहे थे तो फरमाया मुझे जहन्नुम दिखाई गई है या कभी मुझे जन्नत दिखाई गई है या कभी इस तरह का भी वो ख्वाब में कोई चीज दिखाई है बात समझ में आ रही नहीं तो मकसद कहने का यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारा ये हमारा जो है यह अकीदा है ये गलत अकीदा है हमारा ये कुफ्रिया कलीमात हैं इसके जिमन में भी इंशाल्लाह शाह बहुत सारा कुछ मैं अपने दिमाग में कलेक्ट कर रहा हूं मैंने डिजाइन बना रखे हैं मैं इंशाल्लाह आपको क्लास के बाद भेजूंगा और वह लाजमन आप लोग वो चीज़ें देखेंगे और अपने नोट्स में उसकी जो है वो शमूलियत को जो है आप लाजमन उसको करार देंगे इसी तरह से आप सरसल में क्या फरमाया कि जो बात मैंने की जिसने मेरी बात को रद्द किया अब यह सल्लम की तरफ से है। जिसने मेरी बात को रद्द किया उसने क्या किया उसने अल्लाह की बात को रद्द किया ये देखें एक ऑर्गेनिक होल है यह हमारी ना हंजारीत है कि हम इस तरह के अल्फाज अदा करते हैं तो उसके बाद जो है क्या है अब ये नाजिल करने में बता रहा था कि वल्लना यु मिनना बिमाउिला देखिए मुत्ती लोगों की पहचान यह है कि वह हर उस बात पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल की गई है अब कुरान तो बड़ा सा किसी से भी आप पूछे कहेंगे जी कुरान अल्लाह रसूल्लाह पर क्या चीज़ नाजिल की गई कुरान नाजिल की गई लेकिन आज मैंने आपको कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं ठीक है जी अभी इसके जमन में ज़रा देखिएगा जैसे हज़रत इब्राहिम सलाम के बारे में अगर बात करें तो ये जो हज़रत इसमाइल को जो ज़िबा करने की जो बात थी कुर्बानी के जो मामला थे झलहज्जा ही चल रहा है आज तो उसमें क्या चीज़ थी वो तीन दिन तक उनको मुसलसल जो है वो ख्वाब दिखाया गया बात समझ में आ रही नहीं तो मकसद यह है कहने का कि कोई ख्वाब है कोई ख्याल है यह तमाम जो है वो अल्लाह की की तरफ से वही खफी हो या वही जली हो उसके बाद क्या फरमाया गया है वमा मिन और हम हर उस चीज पर भी ईमान लाते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी नाजिल की गई ऐसा क्यों किया जा रहा है जिस तरह से हम सूरह आले इमरान में पढ़ेंगे कि आगे चल के अल्लाह ताला उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये तमाम किताबें तौरात हैं इंजील है जबूर है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से थी और ये किताबें जो ओरिजिनली जो ये किताबें हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से भी थी और वो भी अल्लाह के बंदे थे देखो तुम ये ना समझ लेना कि सिर्फ मोहम्मद रसुल्ला जो है वो अल्लाह के बंदे थे बल्कि हजरत मूसा सलाम है हजरत ईसा है हजरत दाऊद तमाम जितने भी हैं ये सब का सेम मैसेज था यहां पे इस बात को ही बताने का लेकिन इसमें मोटी सी बात यह है कि जो अब जो पुरानी किताबें इंजील है वो पता नहीं कितनी सौ जो है वो किताबें बन गई इंजील के कितने जो है वह एडिशन बन गए उसमें, 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 उसमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों से खेच तान करके उन्होंने चार एडिशन ऐसे हैं जो उन्होंने जो है वो समझो कि ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि जी ये चार किताबें जो हैं उसमें ये जो है वो ऑफिशियल इंजील है चार एक की जगह पत्नी कितने वो सत्तर अस्सी बनी थी उसको चाट ताँट छाट करके भी वो चार इंजील है उनके पास वो एक कलाम उनके पास आज भी नहीं है इसी तरह से जो है वो क्या कहते हैं तोरात है उसका तो समझें कि वो हजरत ईसा की बेसत से पहले उसका बेड़ा गर्क कर चुके थे यहूद मन घड़त उसमें बातें कर करके कर करके कर, कर, वो सारा तबाह कर दिया वो तौरात को बात समझ में आ गई तो लिहाजा ये है कि हम ईमान रखते हैं तौरात जबूर और इंजील पर लेकिन वो ओरिजिनल वाली जो है अब वो ओरिजिनल वाली कौन सी है अल्लाह आलम अब हमें तो नहीं पता कि उसमें क्या है कहां से मिलेगी ओरिजिनल क्या होगा कैसे होगा वो हमें नहीं मालूम लेकिन इसकी मोटी सी दलील अगर कभी आपको मिल भी जाए तो रात मिल गई है जबूर मिल गई इंजील मिल गई तो आपने उसमें क्या करना है क्योंकि यहां पर हमसे जो है वो डिमांड की जा रही है कि हमें उस पर भी मान रखना पड़ेगा उसमें हम जो कुल्लिया जो बनाएंगे वो हमारी बुनियाद जो होगी वो ये होगी कि जो भी चीज कुरान से टकराएगी हम उसे रद्द कर देंगे कोई अकीदा ऐसा है कि जो कुरान से टकराता है हम उसे रद्द कर देंगे जीरो कर देंगे हमारे नजदीक उसकी कोई औकात नहीं कोई वैल्यू नहीं उसकी ठीक है क्यों ये बात समझ में आ जाएगी कि वो अल्लाह का कलाम नहीं है लेकिन जो बात कुरान से मैच करेगी तो रात जबूर इंजील की हम उसको ले लेंगे समझ आ रही है एक तो नुकता बताने का यह है दूसरा नुकता बताने का यह है कि कहीं तुम्हारे दिल में जो है यह बोगज ना आ जाए कि हजरत मूसा सलाम की पता नहीं क्या तालीम थी जैसे मिसाल के तौर पर इसकी जिंदा मिसाल में दूंगा कि जैसे हजरत ईसा जब अपने दौर में आए बाद के दौर के लोगों ने जो है वो क्या किसी ने बेटा करार दे दिया किसी ने और करार दे दिया तो अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप हजरत ईसा सलाम को गालियां दें माजल्ला सुम्मा माजल्ला हज़रत ईसा सलाम ने तो ये बात नहीं की या हज़रत उजैर सलाम ने तो ये बात नहीं की थी कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ माजल्ला सुम्मा माजल्ला जिस तरह से आज ये सूफिया कराम है इन्होंने तो कभी भी ये बात नहीं की मुझे सजदा करना मेरे खबरों पर मज़ार बना लेना और वह सारे काम ये तो बल्कि अगर आज अपनी खबरों से उठाए जाए तो मार के लोगों को बगाएं ये तुम क्या कर रहे हो ये तुम किस तरह की बेहिई के काम कर रहे हो कि अपनी मां बहनों को भी यहां ला के न हो सजदे कर रहे हो और सारी चीज़ें तो किसी सूफिया कराम ने जो है वो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टफुल हैं जहालत में आके बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सूफिया कराम से लिए भी बुगज रखने लगते हैं ये बिल्कुल गलत चीज़ है ये क्या है कि बाद के आने वाले मौलवियों ने जो ये धंधा शुरू किया है कि वो किताबों में रद्दो बदल करके और ये शक्ल जो है वो आज राइज हो गई कि हर बंदा जो है जाके मज़ार पर सजदेज हो जाता है मकसद कहने का कहीं यह है कि यह सारी चीजें अच्छी तरह से समझिएगा इसको कि अल्लाह के नबी करीम वसल्लम पर जो नाजिल किया हमारा उस पर भी ईमान है यानी जो उन पर नाजिल किया उस पर भी ईमान है और वो जो हस्ती जिस पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान है ठीक है जी इसी तरह से हजरत मूसा सलाम पर ओरिजिनली जो नाजिल किया हमारा उस पर भी ईमान है हजरत मूसा पर भी हमारा ईमान है हजरत ईसा पर भी हमारा ईमान है कि वो अल्लाह के जो है रसूल हैं अल्लाह के बंदे हैं इसी तरह से जो हज़रत मूसा हज़रत ईसा हज़रत दाऊद तमाम जितने भी हैं, आमन और रसूल बिमा उ जिला वल वलमोमिन यानी जो है रसूल भी ये सारे जो हैं ये एक फ़ैमिली की तरह हैं अल्लाह ताला हैं इसी तरह से अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह के अम्बिया हैं शुहदा हैं सालिहीन हैं सदीक़ी ये तमाम एक फ़ैमिली की तरह हैं और इस फैमिली के सबसे ज़्यादा जो रखवाले हैं और सबसे ज़्यादा जो वारिस वो कौन है कि जो कुरान पढ़ते हैं सीखते हैं सिखाते हैं और करते हैं सबसे ज़्यादा ये मैं बारह आप लोगों के साथ जो है अहलुल्क़ुरहान हुम आहल्ला खासत हूँ क्या मुराद है इससे कि कुरान के जो लोग जो कुरान पर मेहनत करने वाले ख़ास हैं अल्लाह ताला के ये चीज़ें तुम्हें आज ना समझ आ रही हैं और ना तुम्हें दिखती हैं चीज़ें लेकिन इंशाला जब कोई मरेगा तब उसको ये चीज पता चलेगी जब शिफात के जुम्मन में कुरान जो है वह आएगा और इंशाला मैं आखिर में ये चीज भी रखूंगा कि कुरान हमारे लिए किस तरह से जो शिफात बन के आएगा तो लिहाजा यहां पर जो हमसे पांचवीं या छठी जो हमसे डिमांड की जा रही है वो क्या है कि वजीना यू मिन बिमाजिल कि वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर भी कि जो आप पर नाजिल किया गया व मा मिन मिनकबलिक और आपसे पहले भी जो नाजिल किया गया लेकिन वही बात है कि बिल्कुल करप्ट हो गई है आज के दौर की इंजील है कुछ पता नहीं है उसके क्या मामलाते हैं तोरात है कुछ पता नहीं कि उसके क्या मामलाते हैं ठीक हो गया जी उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो नुकता आ रहा है वो क्या आ रहा है व बिल हम यो और आखिरत के दिन पर वो यकीन रखते हैं अब यहां देखिएगा गैब के बारे में जो है वो ईमान का लफ्जा है तुम यकीन नहीं रख सकते गैब पर टू हंड्रेड परसेंट वाली बात कभी भी नहीं हो सकती इल्ला कि तुम मरो और तुम्हारी रूह को आके फरिश्ते जो है वो कब्ज करें और वहां से तुम्हें फरिश्ते भी दिखें और वहां से तुम्हें जो सारी चीजें जो कायनात का सिस्टम है वो तुम्हें दिखे यकीन तो तुम्हारा ईमा ये गैब पर यकीन तो तुम्हारा तब होगा लेकिन यह कि अल्लाह ताला ने इसके लिए क्या है इल्मुल इल्मुल यक, यकीन कि यकीन वाला इल्म तुम्हारे पास आ जाए देखिए एक मैं आप लोगों के सामने जो है एक जो है मिसाल पेश करना चाहूंगा यकीन की जो है वो उलमा उलमा हक ने तीन जो है वो कैफियत बयान की यकीन, यकीन हक-ul-यकीन इससे क्या मुराद है इल्म-ul-यकीन यानी आपको यकीन वाला इल्म हो गया क्या मुराद है ये इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा और अच्छी तरह से इस बात को समझिएगा यकीन से क्या मुराद है कि तुम्हें यकीन वाला इल्म तुम्हारे अंदर आ गया वो इल्म तुम्हारे अंदर आ गया जिसपे तुम्हें यकीन हो गया यह पहली कैफियत है मिसाल के तौर पर कि आपने आपने स्मेल किया कि कहीं से कोई टायर जलने की आवाज़ कोई चमड़ा जलने की जो है वो स्मेल है अब वो यकीन आपके अंदर आ गया कि ये ये जो जो जलने की जो स्मेल है ये चमड़ा जलने की स्मेल है आपने कहा कि 200 परसेंट मैं इस बात पे शर्त लगा सकती हूं वैसे शर्त लगाना जो हराम है लेकिन ये कि मैं लाजमन इस बात को कह सकती हूं ये 200 परसेंट ये जो चीज है ये क्या है ये चमड़ा जलने की यह आपको क्या हो गया यकीन इसी तरह से आपने क्या किया आप खड़ी हुई आपने उठने के बाद खिड़की खोली और आपने दूर से देखा यकीन आयन कहते हैं आंखों को तो आपने क्या किया आपने खिड़की खोली और आपने देखा कि वाक़ता आपने देखा रोड पर टायर पड़ा था और वो टायर जल रहा था तो यह आपको क्या हो गया आइन उल यकीन ये यकीन हो गया आइन उल यकीन यानी आपने अपनी आंखों से देखा इसी तरह से जब आपने दरवाजा खोला और उतर के गए और देखा कि जरा मैं कंफर्म कर लू इस चीज को जब आप आगे गए और आपने जाके उस आग में उंगली डाली या उसमें हाथ डाला तब आपको क्या हो गया हक कुल यकीन आपको हो गया कि ये जो जल रही थी आगी थी और वाकता जो जल रहा था वो क्या था वो टायर ही था वो चमड़ा ही था तो ये यकीन यहाँ जो हमसे सिर्फ डिमांड की जाती है कम से कम अल्लाह के इल्मुल यकीन तो तुम्हारे अंदर आ जाए कि जैसे वो सूरत आती है हमारे पास अल्लाकबलामुन हा यहाँ पे यह है कि फिर बाद में तुम्हें इस चीज़ का मुशाहिदा करा दिया जाएगा अभी दुनिया में रहते हुए कम से कम यकीन तो अपने अंदर कायम करो यह है कि जब मरोगे तो यकीन भी आ जाएगा अपनी आंखों से देखोगे तुम कि किस तरह से फरिश्ता तुम्हारी रूह को कब्ज करने आता है तो यहां जीते जी हमसे डिमांड की जा रही है यकीन कम से कम तुम जो है वो अपने आप अपने इल्म को जो है यकीन की तरफ लेके जाओ और दुनिया की कोई ऐसी सोर्स आपको नहीं मिलेगी जिससे इल्मुल यकीन आपके अंदर पैदा हो सिवाय यह कि वो कुरान इल्ला कुरान के आपको कोई दूसरी किताब यकीन वाला इल्म आपको नहीं मुहैया कर सकती मैं चैलेंज के साथ इस बात को कहता हूँ दूसरी जितनी भी किताबें किसी न किसी की बुनियाद पे किसी ने अपने जो है वो इमाम की तकलीद में किसी ने कुछ कह दिया उसी की कोई शरा खींच दी किसी ने और कुछ कर दिया किसी ने और कोई काम कर दिया किसी ने कहीं से आर्टिकल पढ़ा ये सारी चीज़ें माखूज हैं लेकिन अल्लाह का जो कलाम है कहीं से माखूज नहीं है लौह है ये जो अपना जो है लौह महफूज में जो है ये अल्लाह के पास से ये कलाम आया है बात समझ आ गई यहां पे जो है बिल कि वो लोग जो है मुत्त लोग देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है वो क्या है कि आखिरत के दिन पर वो यकीन रखते हैं ऊपर जो हमसे डिमांड की गई वो ईमान की डिमांड की गई यु मिनुना बिल गैब कि वो क्या करते हैं ईमान पर गैब पर ईमान रखते हैं इसी तरह से फिर आया वल्लीना यु मिनुना बिमा जिला कि वो ईमान रखते हैं यु मिनु ठीक है ना लेकिन यहां जो हमसे डिमांड की जा रही है कि आखरत के दिन पर यकीन रखते हैं अब अपने गिरवानों में झांक कर देखिए कि आप में से कितने लोग हैं जो ईमान ये आखरत के दिन पर यकीन रखते हैं अब अमूमन में जो कहता हूं कि ये क्लास जो है हमारी वो थोड़ी सी अलग है थोड़ी सी अलग है उसकी वजह क्या है कि मैं कुरान में से जो है वो मजामीन निकालता हूं उसको सॉर्ट आउट करके ताकि वो जो जो चीज है वो कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो पाए अब ये आप देखिएगा व बिल आखिरती हम युकिन क्यामत के नक्शे को लेकर जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों के अच्छा एक जो मैंने पीले, पहले जो मैंने एक हदीस कोट थी की थी वो क्या थी वमिम्मा रजकना हम यूनफिकून जो आयत मैंने कोट की थी इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि सेहत जो है ये एक बहुत बड़ी नियमत है फारद वक्त जो है उसकी वो है आप सरसों ने क्या फरमाया के दो नियमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते एक सेहत और दूसरी फुर्सत इसका जो है रेफरेंस नोट डाउन कर लीजिएगा सही बुखारी की हदीस है सिक्स फोर वन टू मैं इसका बताना भूल गया था माजरत के साथ तो ये जो है क्योंकि मैं अगर इसको अपनी बुनियाद पे बात कहूँ कि फारिग वक्त भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है तो आपको ये चीज़ लगी कि तो सर अपनी तरफ से कह रहे हैं महम्मद रसुल्ला का कौल फसल है मैं आज इस बात को अच्छी तरह से आप लोगों के सामने आया कर चुका हूँ कि हदीस भी अल्लाह का कलाम है जिन लोगों ने यह बात की जिन लोगों ने यह बात की कि नहीं हदीस से नहीं कुरान से दिखा सरी उन्होंने कुफुर किया मोहम्मद रसूल ने कोई बात नहीं मैं इन शाह तक इसके जिम्मे में हदीस है ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने यानी मोहम्मद रसोल्ला अपने बारे में कहते हैं जो मैंने तुम्हें याद रखो कान खोल के बात सुन लो कि जो बात मैंने तुमसे की वो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कोई बात मैंने कदगन गन हाँ इसके बरक्स ये बात है कि मोहम्मद रसोल्ला ने बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह से दुआ कर कर के करके जो है वो क्या किया कि उन चीज़ों को आसान बनाया जैसे मिसाल के तौर पर मेराज पर बुलाया गया था पचास नमाजें अल्लाह ताला देना चाहते थे लेकिन मोहम्मद रसल्ला दोबारा से गए अल्लाह से अल्तजा की कि नहीं हो पाएगा पचास नमाजें बहुत ज्यादा है फिर वो जो है अल्लाह ताला ने चालीस कर दी फिर दोबारा जो है वो हजरत मूसा सलाम ने फिर कहा कि नहीं अभी भी बहुत ज्यादा है इन शह महराज के ये जो महराज का वाक्य इनशाला कभी आप लोगों के सामने रखूंगा उसमें यह चीज फिर आएगी फिर दोबारा गए तिबारा गए चौथी गए चौथी बार गए पांचवीं बार गए दस रकात जब रह गई तो उसमें यह फरमाया हजरत मूसा ने कहा कि यह भी नहीं हो पाएगा आप जरा अंदाजा लगाएं ये भी नहीं हो पाएगा फिर वो अब सर ने कहा कि अब मुझे हया आती है अब मुझे जो है इस चीज में हया आती है कि मैं दोबारा से जाऊं काफी बार चला गया काफी बार जाके अल्लाह तला से मैंने किया अब मुझे जो इस चीज में शर्म आती है फिर वहां गैब से जो है वो आवाज आई अल्लाह तला की आवाज आई कि ये जो है हम पांच नमाज इसको कर देते हैं लेकिन अल्लाह तला अपनी बात का अटल है अल्लाह की बात जो है वह कौले फसल है क्या किया की, की हिकमत ये हुई कि ठीक है हमने तुम्हें पचास दे दी थी ठीक हो गया हम तुम्हें ये पांच नमाज का भी जो सवाब है हम तुम्हें पचास के बराबर ही देंगे आज जो हम एक नमाज पढ़ते हैं ये दस नमाज के बराबर है पांच नमाजें जो हैं ये पचास के नमाज़ पचास नमाजों के बराबर है इसकी वजह क्या है कि अल्लाह तला अपनी बात का अटल है अल्लाह तला अपनी बात से नहीं फिरता कभी भी कि उसने कुछ कह दिया फिर वह दस कर दिया बीस कर दिया चार जो बात पहले उसने कही थी पचास उस पर कायम है अल्लाह तला शान है उस रब की कि वो खजानों का जो है वो पैदा करने वाला उसको किसी ये जरूरत नहीं है उसको ये नहीं है कि खजाने अगर मैं इतने दे दूंगा तो ख़त्म वो तो खजानों का पैदा करने वाला है वो तो बहाना ढूंढता है कि तुम्हारे खजाने उसने किस लिए बनाए तुम्हारे लिए तो बनाए उसे खजानों से क्या लेना देना वो तो खुद एक जो है खजाना है समझ आ रही नहीं तो इसके बाद जो बात हो रही थी हमारी वो क्या थी कि आखरत के दिन पर यकीन कैसे होगा अगर मैं सिर्फ इतनी बात को कह के आगे बढ़ जाऊं कि जी वो लोग जो हैं वो क्या रखते हैं वो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं तो इससे तो यकीन तो पैदा नहीं होगा यकीन लफ्ज को देख लीजिएगा पहले या काफ और नून यकन ये लफ्ज है इससे बना है यकीन जो कि उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं यकीन का लफ्ज अब इसमें देखिएगा क्यामत के दिन की मैं कुछ आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ कुछ ऐसी आयात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ नोट डाउन कीजिएगा इसको क्या है सबसे पहली दलील जो है मेरी सूर आल इमरान की आयत नंबर एक सौ पिचियासी आयत नंबर वन एटी फाइव कुल्ल मौत हर जी नफ्स ने मौत का मजा चखना है और ये मौत का मजा क्या है मैं काफी बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं आज दोबारा से बता देता हूं होता क्या है दर हकीकत के जो इंसान पैदा होता है मिसाल के तौर पर जो वो माँ के पेट में होता है तो अल्लाह ताला सारी उसकी आखिर आखिर लम्हे तक वो क्या हरकतें करेगा वो कितना खाएगा कितना पिएगा कितना नमक कंज्यूम करेगा कितनी चीनी कंज्यूम करेगा कितना सारी चीजें उसकी तकदीर पूरा पूरा उसके जो है वो गले में लाके लटका दी जाती है ठीक हो गया जी अच्छा उसके बाद उसी में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी उम्र भी है मिसाल के तौर पर कोई इंसान है साठ साल उसकी उम्र है अब जब वो पैदा हुआ एक साल का हुआ तो कितनी उम्र रह गई फिफ्टी नाइन ईयर्स रह गई ये तो पहले से तय है कि तुम कितना जियोगे इसी तरह से जब दस साल का हुआ तो कितनी उम्र रह गई पचास साल उम्र रह गई इसी तरह से तीस साल का हुआ तो कितनी उम्र रह गई बीस साल उम्र रह गई इसी तरह से पचास साल का हुआ कितनी उम्र रह गई दस साल उम्र रह गई इसी तरह से फिफ्टी नाइन का हुआ तो कितनी उम्र रह गई एक साल उम्र रह गई इसी तरह से 59 नाइन ईयर्स और समझ लो कि 10 महीने वो जी चुका कितने रह गए दो महीने रह गए ये बात तो पहले से ये डेबिट क्रेडिट्स का जो हिसाब किताब है ये तो चल रहा है ये तो एक ऐसी हकीकत है जिंदगी की ही उलट बनती है क्या मौत इससे कोई इंसान नहीं भाग सकता बड़े से बड़ा रसूल भी जो है ये मौत वाली जो कैफियत है जो रूह कब्ज करने वाली है इससे कोई भी जान नहीं छुड़ा सकता ये तो समझ लो कि जैसे जिंदगी एक हकीकत है इसी तरह से मौत एक हकीकत है बहुत सारे लोग जो है हमें इस पर मलाल करना चाहिए कि हमारा वक्त जो है किस तरह से गुजर रहा है लेकिन मकसद कहने का यह है कि लोग इस तरह से रिएक्शन करते हैं माँ के मरने पे बाप के मरने पे दादा के मरने पे या औलाद के मरने पे इस तरह से लोग रिएक्शंस करते हैं जैसे कोई अनोखा काम हो गया दुनिया में जैसे तुम्हें पता ही नहीं था कि कभी मौत आएगी साठ साल की उम्र में भी अगर किसी का किसी के वालिद फौत होते हैं तो रंज हो गया जी मातम हो रहा है भाई क्या तुम्हें यह बात पता नहीं थी पहले से कि आप तो जा साठ साल अल्लाह ने उम्र दी उसके बाद भी तुम जो है वो ये तमन्ना कर तो क्या सौ साल पर जा सौ साल में भी अगर जाके अगर उनको मौत हो उस पे भी तुमने रोना पीटना करना है लिहाजा ये चीज है कि मौत एक हकीकत है कब किसकी मौत आनी है इसमें कोई हमें जो है रंज मलाल नहीं होना चाहिए बस जो मलाल करने वाली चीज है वो ये है कि हमारी तैयारी कितनी है मौत के लिए मौत से तो बड़े से बड़ा फिरौन अल्लाह ताला ने पानी में غرق किया लेकिन वो भी नहीं बच पाया लिहाजा मौत जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है कुल नफ्सिं जाइक़तुल मौत जो भी जी नफ्स है सूरा आयत नंबर एक सौ पिचासी जो भी जी नफ्स है उसको मौत का मजा चकना है व इन नजूरकम और बिला शुबा लाजमन हम तुम्हें जो है ना कि हम तुम्हें जो है वह क्या करेंगे हम तुम्हें जो है पूरा का पूरा ये वफा युवफी आगे चल के बात करेंगे सूर्य आल इमरान में कि इससे क्या मुराद है ये वो लफ्ज है वफा युवफी जिसे कादियानियों ने जो है हजरत ईसा के जिमन में उन्होंने कहा कि नहीं वो तो वफात हो गए उनकी हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अल्लाह ताला ने उनको जो है वो आसमान पर जो है सब आसमान पर अल्लाह ताला ने ताबिंदा उनको, उनको उठाया है हजरत सलाम को तो ये ना व इनमा तो न उजू रकम फिर उसके बाद पूरा का पूरा तुम्हें दे दिया जाएगा उजू रकम जो भी तुम्हारे अजर हैं यौमयाम फिर वो दिन कौन सा क़यामत अब ये लफ्ज़ कयाम जो ये क़यामा जो बना है ये असल में क्या है इंशाल्लाह आगे चल के इस पर मैं बात करूंगा ये बना है ये कयामा जो बना है कयाम से बना है तीसरा सूर जब फूंका जाएगा तो उस, उस पर इंसान तमाम जितना भी इंसान है ये अल्लाह ताला के सामने जाके खड़ा हो जाएगा और उस दिन को कहेंगे कयामा जब लोग तमाम इंसान जो है वो अल्लाह ताला के सामने क्याम करेंगे तब इस ये जो लफ्ज़ बना है क्यामा से क्या मुराद है हमें पता नहीं क्या क्या इसके बारे में मुगालते हैं इनशा

पहला सूर फूंका जाएगा जिसमें भगदड़ मचेगी जिसमें वो जो कुरान बताता है औरतों के हमल गिर जाएंगे ऊटनीों के हमल गिर जाएंगे एक भगदड़ का जो है वो आलम मचेगा वो पहला सूर होगा दूसरे सूर में क्या होगा दूसरे सूर में मामला होंगे कि तमाम जितने भी इंसान गिर कर मर जाएंगे तमाम जितने भी आसमानों से भी आसमानों में से भी कुछ और ज़मीन में से तमाम के तमाम ये जो मैंने कुछ जो लगाया ये असल में उस आयत में है जब मैं आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह तो बात वाज हो जाएगी तो लिहाजा तमाम के तमाम लोग दूसरा सूर जो फूका जाएगा उस पर तमाम लोग मर जाएंगे और फिर वो कितने साल कितने सौ कितने हजार साल कितने हज़ार साल लाख साल वो जो है सोते रहेंगे अल्लाह को इल्म है इसका इसका जो इल्म है वो अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं दिया जलजलत सा के बारे में भी किसी को इल्म नहीं दिया किसी रसूल को अल्लाह तम नहीं दिया यहाँ तक कि महम्मद रसूल्ला को भी नहीं दिया कि आपसे आपसे सा के बारे में पूछते हैं जलजलत सा के बारे में पूछते हैं अल्लाह ताला ने कहा कि कह दीजिए इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है पहला सूर होगा जिस पे भगदड़ मचेगी और वो सारी चीज़ होगी दूसरा सूर होगा जिस पे जो है तमाम लोग गिर के मर जाएंगे तमाम लाशें लाशें बिछी होंगी दुनिया पर तीसरा जो सूर होगा उसमें जो तीसरा सूर फूका जाएगा उसमें तमाम लोग दोबारा से खड़े किए जाएंगे और दौड़ लगाएंगे और दौड़ लगा के ऑटोमेटिकली तीन ग्रोह में तकसीम हो जाएंगे पहला और आखिरी पहला और सबसे जो पहला ग्रोह होगा वह साबून अलउलू का होगा वो लोग के जो हर काम में दीन के सबकत करते थे अब तुम देख लो कि तुम अगर सबकुन अलउलू में से शुमारीत अगर करना चाहते हो सबकत करने वाले हो लपकने वाले हो अल्लाह के दीन पर तो देख लो कि तुम्हारी भी उनमें से शमूलियत हो सकती है वो जो अल्लाह के खास आज बंदे हैं सत्तर हजार अल्लाह के जो सत्तर हजार लोग हैं उसमें अगर शमूलियत चाहते हो कि बिना हिसाब के यानी दरवाजा खुला है और तुम मोहम्मद रसुल्ला के साथ जो है वो बिना किसी रोक टोक के तुम जन्नत के बागात में दाखिल दाखिल कर दिए जाओ और फिर वो जो है वो बात लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा कि वो जो हूरों के मामलात हैं वो साबिकून अवलून के लिए हैं ये एक अलग से टॉपिक है इन करेंगे आज हर मुसलमान ने समझ लिया कि उसको हूरें दी जाएंगी ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है हूरें जो हैं ये सिर्फ जो है वो क्या है साबिकून अवलू के लिए मामलात इनशाला आगे चल के इस पर बात करेंगे तो मकसद क्या है मेरे कहने का कि अगर तुम ये चाहते हो कि बिना हिसाब किताब के अब देखो ये बात बड़ी आसान है इंसान अपनी जबान से क्या कहता है अल्ला हा सिब नहीं हिसाब अल्लाह ला तो हा नहीं ये कहने से नहीं होगा ये सिर्फ दुआएं मांगने से नहीं होगा बल्कि सबकत करो तुम इन चीजों में अब यहां मामलात यह कि नोट्स के बारे में कह कह के कह कह के अपनी बेस्ती कराने वाला जो है मामला मुझे महसूस होते कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं आप लोगों से उधार मांग रहा हूं नोट्स का कर लो ऐसे कर लो वैसे कर लो वो जस्तुजू खुद की तुम्हारे अंदर नहीं आती क्या तुम खुद से नहीं चाहते हो कि बिना हिसाब किताब के तुम जन्नत में दाखिल किए जाओ तो तीसरा जो सूर फूंका जाएगा उसमें सबसे आगे जो होंगे वो वह साबिकन होंगे बिना हिसाब किताब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा अल्लामर अबना जा मिनहम अल्लाह उमर अबना जाम अल्लाहर अबना जा उसके बाद पीछे जो राइट हैंड पे जो होगा वह सहाबुल यमीन यानी राइट साइड वाले जो होंगे उनसे यह कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत सरसरी तौर पर हिसाब लिया जाएगा और जो लेफ्ट साइड वाले असहाबत शिमाल ये तीन असलाहत मैंने आप लोगों को बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा असहाबत शिमाल का क्या है उनको तो डायरेक्ट वो लेफ्ट साइड पर जो रास्ता जा रहा है डायरेक्ट वो जाके जहानुम में गिरेंगे कोई हिसाब किताब नहीं कुछ नहीं उनको तो डायरेक्ट झोंक दिया जाएगा किसमें डायरेक्ट उनको जहनुम में झोंक दिया जाएगा ये तीन लोग तो मकसद मेरा कहने का क्या है मकसद मेरा बताने का ये है कि क्ल्ल नफसिनदायतल मौत व अन नमा उजूरकुम व फ़ोन उजूरक फ़मन जुहजिहा जहा अन नार व खिल जन्ना कि वो इंसान के जिसको क्या किया जाए कि जिसको झोंक दिया जाए किस में जिसको झोंक दिया गया जिसको बचा लिया गया किससे जिसको जहनुम की आग से बचा लिया गया जुहज़िहा जिसको बचा लिया गया अन नार जहनुम की आग से वह उद खिल जन्ना और जिसको दाखिल कर दिया गया जन्नत में फ़कत फाज़ दर हकीकत जो विनर जिसको हम कहते हैं छोटी मोटी चीजों पर हम कहते हैं बड़े विनर होगा जी ये चीज हमने जीत ली वो लॉटरी लग गई ये हो गया जी ये हमने डिग्री अचीव कर ली ये कर लिया ये काम कर लिया ये कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है ये जितनी डिग्रियों में तुम टाइम लगा रहे हो उसकी कोई बास पुरुष अल्लाह था अल्लाह को कोई गरज नहीं है तुम्हारी डिग्रियों से तुमने एम किया तुमने बी किया इससे अल्लाह का कोई कंसर्न नहीं है अल्लाह का ये तो दो पैसे के लिए तुम जो है ये सारे काम करते हो दुनियावी तालीम दुनियावी शशके दुनिया की गाड़ी दुनिया के बंगले इनसे कोई ताल्लुक नहीं अल्लाह ताला इसके बारे में तो और उल्टी तुम्हारी पकड़ होगी कि हमने तुम्हें दिया था तुमने कितना उसको जो अल्लाह की राह में खर्च किया तो दर हकीकत याद रखना याद रखना इस बात को कि असल जो हमारी जो जो हमारी जो जो हमारी जो असल जो हमारी जो जो विनिंग है हमारी असल जो हमारा जिसको फ़ाज़ कहा फ़कत फाज़ दर हकीकत जो हमारी जो क्या कहते हैं इसको जो हमारी जीत होगी वो क्या होगी वो वो है हमेशा हमेशा की जिंदगी में हमें जो है वो क्या हो गया विनर करार हो गए और अब हमेशा हमेशा की जिंदगी में जो है वो हम विनर हो गए वो है दर हकीकत अगर तुमने जीत का मैार उस दिन को नहीं बनाया तो समझो गफलत में हूँ वो दिन देखो अब ये चीज़ें यकीन की तरफ जाना चाहिए अगर तुम्हारा यकीन है यमुल क्यामत पर कि वो दिन आकर रहेगा वैसे तो कुरान में हज़ारों जगह वो चीज़ आ जाएगी कि बारह अल्लाह ताला पकड़ सत्रह सत्रह अठारह अठारह बीस बीस पच्चीस पच्चीस चीज़ों की कसम अल्लाह ताला गवाह बनाकर उस चीज़ को कहेगा कि आकर रहेगा वो दिन देख लो तुम्हारी पेशी होगी तुम्हें हमारे सामने खड़ा किया जाएगा फकत फाजा तो फिर वो इंसान क्या है वो लोग हैं दर हकीकत जो विनर है वमल हयात दुनिया इल्ला मताल गुरूर दुनिया की जिंदगी क्या है सिवाय इसके कि धोखे का चंद दिन का कुछ धोखे का सामान आज इंसान यहीं पे सारी भाग दौड़ धूप सारी भाग दौड़ हमारी यहीं की है कुरान के लिए कोई एक डेढ़ घंटा भी नहीं निकल रहा नोट्स बनाने के लिए भी अल्लाह माफ़ करे मैं बता चुका हूं ऐसे पीछे लगना पड़ रहा है कि जैसे पत्नी क्या मैंने कोई उधार मांगा है किसी से पागलों की तरह मैसेज दिन भर मैसेज कर करके कर करके क्या कर रहे हो मामला जरा अंदाजा लगाओ वाकई तुमने अल्लाह का कलाम इसे माना है तुमने अल्लाह का कलाम इसे माना है सूरा आले इमरान आयत नंबर एक सौ पिचासी अब उसके बाद दूसरी चीज़ है अल्लाह अलाजमा इला ला के लाजमन अल्लाह एक है उसका उसके अलावा कोई इलाह नहीं ये लफ्ज जो इलाह है ज़रा इसको समझ लीजिएगा क्योंकि यही वो अल्फाज है जिनकी वजह से हमने इनको समझा नहीं और फिर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फितना फैला है अला से क्या मुराद है कि जिसकी तरफ हम जो है अला से मुराद है वो प्रोसेस कि जो हम क्या करेंगे जो हम लौट के जाते हैं इलाह से क्या मुराद है वो प्रोसेस लौट के जाने वाला जो प्रोसेस है जो प्रोसेस है उसको इलाह कहते हैं जिस हस्ती की तरफ ये आपको कोई नहीं बताएगा आज तक जिस हस्ती की तरफ हम जो लौट कर जाएंगे वो हस्ती कौन है जो वेलकम करेगी हमें वो है अल्लाह यानी वो रास्ता वो जैसे एक रास्ता होता है एक पुल है एक ब्रिज है जिसको हम अबूर करके जाते हैं अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं इसी तरह से इलाज जो है ये एक मंजिल है और ये इलाज जो एक रास्ता है और मंजिल क्या है अल्लाह इलाज जो है वो प्रोसेस है लौट के जाने वाला और अल्लाह कौन है वो हस्ती है अल्लाह इसमें एक लाम और लगा दो तो अल्लाह बन जाएगा उससे क्या मुराद है वो जो 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 हमें वेलकम करेगा अब देखो अल्लाह के नाम में में कितना बड़ा है है मैं कहता हूं कि हर एक लफ्ज समंदर की माने तो अल्लाह के नाम का क्या मुराद है यह आपको कहीं पता नहीं चलेगी ये चीज बड़ी रिसर्च करके मैं इस चीज को लेकर आया अल्लाह से मुराद ये है कि वो तुम्हें वेलकम करेगा अब इसमें भी देख लो कि क्या अकीदा छुपा अल्लाह के नाम में क्या अकीदा छुपा है बात समझ में आ गई तो यहां फरमाया जा रहा है अल्लाह इलाहा के देखो अल्लाह ही है तुम्हें वेलकम करने वाला उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता कोई भी नहीं हु उसके अलावा लयजमा कुम के लाजिमन तुम्हें जमा करके रहेगा मैंने आपसे इसलिए कही थी कि अगर मैं सिर्फ यह कह दूं दू यौमा करके आगे बात बढ़ा दूं जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में तो बात समझ में नहीं आएगी ये यौमुल क्यामत को हमें समझना पड़ेगा क्या फरमाया जा रहा है कि लेजमा अन्ना कुम के लाजमन हम तुम्हें जमा करेंगे इला यौमयामा लाजिमन हम तुम्हें जमा करें यह अन्नकुम जो मैंने इस पर जोर दे के पढ़ा इससे मत इससे मुराद होता है जैसे वलनबलू वन नकुम से क्या मुराद है कि हम लाजिमन ये वन नकुम अन् नकुम जो है इससे क्या मुराद होता है लाजिमन ये मैं कुछ छोटी मोटी टिप्स आपको बताता हूं ताकि थोड़ी थोड़ा आपका जहन जो है अरबी से आपको लगा हो तो यहां पर क्या फरमाया जा रहा है हुआ हुआ यानी लमा नकुम लाजिमन तुम्हें जमा करेगा जमा जमा नकुम लाजिमन तुम्हें जमा करेगा इला अला योमयामा लार बफी याद रखो उस दिन में कोई शक नहीं है वमन मन अजदकल्लामन अजदकुल्लामन अजदकुन हदीसा अल्लाह की बात से बढ़कर किसकी सच्ची बात हो सकती है अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो अल्लाह की बात से बढ़कर किसकी बात हो सकती है सच्ची सूरत النساء, आयत नंबर एटी से किस किस तरह से अल्लाह ताला जो है मामला समझाने की कोशिश करते हैं अल्लाह के बाद से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है जरा अपने गिरबानों में झांक के देखो अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर कौन है वो हस्ती जिसकी बात वमन बमन हदीसा तो जरा अकल के नाखन लो जरा होश में आओ अल्लाह की अल्लाह की बात से बढ़कर जो है वो किसकी बात जो है वो जो है वो सदाकत वाली हो सकती है सच्ची बात हो सकती है फिर इसी तरह से एक तीसरा जो है वो क्या है सूरत का रेफरेंस बता रहा हूं आयत नंबर छत्तीस में क्या फरमाया जा रहा है इन कफर बिला शुबा जिन्होंने कुफुर की रविश इख्तियार की देखो आज जो बहुत बड़ा हमारे बीच जो है वो एक हमारे बीच में जो है बहुत बड़ी जो गफलत की बुनियाद है वो थोड़ा सा उसका जो है जो मुतरजुमीन है कुरान के उन पर भी जाता है उन्होंने जो है वो अल्फाजों को इतना चाशनी लगा लगा के अपनी जहानत और फतानत का रोब झाड़ने के लिए उन्होंने इन चीज़ों को इस्तेमाल किया मतरजुम जो तर्जुमा करने वाले हैं कुरान की मैं उनकी बात कर रहा हूँ इन लजीना कफ़र हु वो लोग कि जिन्होंने कुफर की रविश इख्तियार की क्या मुराद है इससे अब हमें कुरान में मिलेगा वो लोग के जो काफिर हैं या जो कुफर करते ये कुफर एक रविश है देखो इस चीज को याद ये कुफर ये काफिर जो है ये किसी इंसान के मुंह पर स्टैंप नहीं होती ये कुफर जो है ये एक रविश है अगर मुसलमान भी वो रविश इख्तियार करता है तो वो भी अंदर से काफर है ईमान तो रखने वाला नहीं है वो तो कुफुर पर डटा हुआ कोई इंसान है मिसाल के तौर पर मुसलसल नमाज छोड़ने वाला तो वो काफर है जाहिर ये है कि वो हाँ देखा जाएगा नमाज जनाजा जैसे मुनाफिक की जनाज़ा जो है पढ़ाई जाती थी मदीना की रियासत में ऐसी जो है वो अब्दुल्ला है अबू बकर है उमर है अली है उस्मान है जो भी नाम है मोहम्मद भी किसी का नाम है तो वो भी अंदर से तो फिर काफर है लिहाजा यहां पर देखो ये हमेशा कफरू के जो मैं तर्जुमा करूंगा वो ये कि जिसने कुफर की रविश इख्तियार की इन लजीना कफरू की जिन्होंने कुफुर की रविश इख्तियार की बात तुम्हें सही से खुल के आएगी समझ में क्यों क्योंकि हमने जो आज कुफुर की जो हमने जो अलाह हमने बना ली है वो क्या गोरी चमड़ी वाला है ये काफिर कौन है जी मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों से भी पूछें या खुद भी खुद से पूछें तो हम कहेंगे वो तो यहूद हैं जी वो तो नसारा है जी वो तो हिंदू हैं सिख हैं ये हमारे दिमाग में छाप बैठ गई है दर हकीकत काफिर वो है कि जिसने कुफुर की रविश इख्तियार की ये बहुत बड़ा हमारे जो है उम्मत में बहुत बड़ा इससे मुगालता हुआ है हमने यह सोच रखा है कि काफर तो सिर्फ हिंदू है और काफर तो लेकिन इसमें फिर एक ये चीज भी समझ लीजिएगा कि हम किसी के ईमान को जांच पड़ताल नहीं कर सकते हम किसी पर कुर का फतवा नहीं लगा सकते हमें नहीं मालूम वो बाहिर तौर पर जो है वो ये कहता है कि लाला मोहम्मद रसुल्ला वो कभी यह है कि नमाज भी पढ़ लेता है हम उसके ईमान पर कुर का फतवा नहीं लगा सकते लेकिन वो इंसान खुद से तो अपने आप का जो है वो इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है कि वो किस तरफ से लिहाजा यहां पर बता रहा हूं सूरत उलमादा की आयत नंबर छत्तीस में क्या फरमाया जा रहा है इनअल लजीना कफरू वो लोग मैं इसका तर्जुमा क्या करूंगा सही जो तर्जुमा है वो क्या है इन लजीना कफरू वो लोग जिन्होंने कुफर की रविश इख्तियार की लव अन्फिल अर्दी कि वो जान लें कि उनके लिए जो भी कुछ जो जो, जो जमीन पर है जमी अन वमिफ लहू और जो कुछ भी उसकी मिसाल उसी के जैसा है माहू लियफ तदू भी कि वो जान लें इस चीज को कि जो कुछ भी है यमलमत क्यामत के दिन जो है मा तो कबिला कि इसमें से कोई शय भी जो है वो तुम्हारे काम नहीं आने वाली मैंने आ, आयत का रेफरेंस इसलिए बता दिया कि आप आगे से देख लें इसी के जमन में जिनको बहुत ज्यादा चाह हो जिनको बहुत ज्यादा जिनके

कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कह दीजिए कान खोल के इनको ये बात बावर करा दीजिए कि लिमन लिमम माफिस समावाती जो कुछ भी समावात में है आसमानों में है बल अर्दी जो कुछ भी है कुल्ला क तब अला नफसी कि कह दीजिए इनसे को अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ भी तुम्हारे उस पर रहमा है लमा कुम फिर से वो बात आ गई कि ला योम्याम लार बफी इस दिन में कोई वो नहीं है लाजमन तुम्हें जमा करके रहेगा कि उसमें क्या है अल्लाजीन खसिरुअम फहम ला यू मिन तो वो लोग बहुत ज़्यादा खसारे में है कि जो ईमान नहीं रखते उस दिन पर और फिर उसके बाद जो है फिर सूरत इसरा है आयत नंबर तेरह इसको भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से वकुल्ला इंसाना वकुल्ला इंसाना हूँ पा रू ये अल्लाह एक बात बयान कर रहे हैं वो क्या है अब मेडिकली तो ये चीज़ अभी तक खुल के नहीं आई है हो सकता है क़्यामत से पहले चीज़ आ गई हो क्या है कि अल्लाह ताली ने यहाँ ये यह जो हमारी शय रग जिसको हम कहते हैं यहाँ हमारी गर्दन में उसने कोई ऐसी चीज़ जो है हमारे लटका दी है ज़ाहिर सी बात है वो क्या चीज़ है रूहानी अतबार से भी कोई चीज़ हो सकती है या ये है कि जिसमानी अतबार से भी कोई ऐसी चीज़ है कोई ऐसा ग्लैंड किस्म की कोई चीज़ है या कोई ऐसा टिशू किस्म की कोई चीज़ है यहाँ अल्लाह ताला ने उनख उन कहते हैं इसको गर्दन को यहाँ उसने जो है हमारे लटका रखी है अब मैं इसको आम असलाह में अगर इस्तेमाल करूँ एक सी सी टी वी कैमरा है जो कि ऑडियो भी तुम्हारी रिकॉर्ड कर रहा है और जो कि तुम्हारी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है सूरत उसरा आयत नंबर तेरह समझ आ गई यहां हमने अल्लाह ताला कहते हैं यहां ये यह जो जगह है जो ये हड्डी होती है यहां अल्लाह ताला ने वो कोई चीज हमारे अंदर कोई चिप ऐसी अल्लाह ताला ने फिट कर रखी है कि वो व वनुख रिजूहू लहू यमक़याम क्यामत के दिन कुछ भी नहीं होगा जैसे हम मोबाइल से जो है वो एक मेमोरी कार्ड निकालते हैं सारा डेटा उसमें आ जाता है इसी तरह से कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है ये कोई इतना बड़ा नहीं है कि हिसाब हो रहा है किताब थोड़ा रुक जाओ दो दिन पाँच कुछ भी ऐसा नहीं है कयामत के जिन जब तुम खड़े किए जाओगे वो एक चिप तुम्हारे अंदर से निकाली जाएगी नामा माल की शक्ल किताब की शक्ल में तुम्हारे सामने रख दी जाएगी यल्का यल्काहु मंशूरा वो किताब की शक्ल में तुम्हारे सामने रख दी जाएगी ये कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है आज इंसान भी कंप्यूटर पर बैठ कर जो है वो क्या कुछ काम करता है आज हम जो है यहाँ से बैठ जो सात समंदर पार जो है वो क्या करते हैं वीडियो कॉल कर रहे हैं ऑडियो कॉल कर रहे हैं या यह यहाँ से बैठ जो है हम वो क्या करते हैं कहीं और कोई कॉल करते हैं सर्वर से हमारा कनेक्ट है तो लिहाजा ये चीज़ वाईफाई है या और इस तरह की चीज़ें ये अब के दौर में तो कुरान पर यकीन लाना और भी ज़्यादा आसान है पिछले दौर में जो 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 कुफार थे जो मुशरकिन थे उनके लिए चीज़ बड़ी मुश्किल थी क्यों क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए वो बिल्कुल ज़ीरो थे कोई टेक्निक टेक्निकल चीज़ें उनके पास नहीं थी हमारे पास तो इतना कुछ है तमाम कायनात का मुशाह मैं आपको करा चुका हूँ और मैं इंशाल्लाह एक वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसको लाजमन देखिएगा जिसमें तमाम वो गैलेक्सीज और सुपर गैलेक्सीज क्लस्टर सुपर ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी तुम अल्लाह अकबर पर यकीन नहीं लाते और उसकी फिर कैफ़ियत क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तमाम कायनात जितनी भी अल्लाह ताला क्या करेगा कि अल्लाह ताला तमाम सारी चीज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसकी हदीस आप लोगों को बता देता हूँ कि उसमें क्या फरमाया जाम तिरमिदी की हदीस है टू थ्री टू जीरो ठीक है ये ये नंबर नोट आउट कर लीजिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की वक़ात यानी दुनिया की कदर वकीमत अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वो किसी काफर को इसमें से एक गूंट पानी भी ना पिलाता जामे तिरमिदी की ऑथेंटिक हदीस है यानी बड़ी कायनात पहला आसमान दूसरा आसमान ये सारा तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ मिला के भी तुम्हें लग रहा है। बहुत बड़ा इसका हजुम हो गया कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला के हजुम के बराबर अल्लाह ताला की किबरियाई के बराबर ये सिर्फ एक मच्छर के पर के बराबर है बात समझ में आ गई तो यहां पर जो है फिर एक लास्ट जो है वो बता देता हूं मैं आपको इसमें क्या है कि वैसे तो बहुत लंबी मैं बात करना चाहता है था इस पर फिर उसमें जो है सूरतुल अंबिया में आयत नंबर सेवन क्या है उसमें इसको लिख लीजिएगा और इसके बाद देख लीजिएगा ठीक है इसमें क्या फरमाया जा रहा है कि क्यामत के क्यामत के दिन हम दरम्यान में ला रखेंगे ठीक ठीक तोलने वाला तराजू वन दवाजीन उलस्ता लियम क्या अल्लाह ताला क्या मामला करेंगे कि एक तराजू हमारे सामने ला के रखा जाएगा जिसमें तमाम के तमाम जो है हमारे अमाल रखे जाएंगे फिर किसी पर जो है वो ये ना समझना कि तुमने कोई नेकी की अल्लाह के खातिर तुमने कोई नेकी की तो उसका पता नहीं आजर मिलेगा ने। कोई नेकी तुम्हारी ऐसी जर्रा बराबर जो है आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे इस जर्रा क्या होता है जर्रा जो है इसकी मोटी सी बात मैं बता देता हूं जर्रा क्या है चींटी जो नो मोलूद जो अंडा देती है उसमें से बच्चा निकलता है उसको कहते हैं जर्रा चींटी ने अंडा दिया उस अंडे में से जो बच्चा निकला उसको कहते हैं जर्रा हम तो किसी भी छोटी मोटी चीज़ को रेत का जर्रा ये वो कह देते हैं लेकिन असल असल जो इसकी बात है वो क्या है असल बात ये है कि जो चींटी जो अंडा देती है उसमें से जो बच्चा निकलता है नौ मौलूद जिसे हम बच्चा कहते हैं उसे वो जर्रा अल्लाह ताला कहते हैं किसी का किसी के ऊपर जो है वो जर्रा बराबर भी जो है वो कोई जुल्म नहीं किया जाएगा ठीक है तो फरमाया जाता है और अगर एक राय के दाने भी मिसकाला हब्बा यहाँ पे जो सूरत लंबिया आयत नंबर 47 में जो चीज़ आ रही है वो क्या है कि मिसकाला हब्बा मिसकाला जर्रा नहीं था यहाँ पे कि वो राय के दाने के बराबर भी हर दल जिसको कहते हैं वो क्या है कि राय के दाने के बराबर भी जो अमल तुमने किया है उसमें जो है वो तुम्हें अब इसको भी जो है लोग गलत इसकी तावील करते हैं किसी ने राय के बराबर भी अगर किसी ने वो किया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में पत्नी कहां से लेकर आते हैं लोग कहां से लोग तावीले गढ़ते हैं चीज़ की अल्लाह ताला ने जो बात फरमाई है वो ये है कि तुम्हारी नेकी का बदला जो है राय के दाने भी तुम्हारा अगर वो नेकी हुआ तो वो तुम्हें दे दिया जाएगा और जो तुम्हारा तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट दोनों को जो है वो किया जाएगा जो भी तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस बनेगा जो भी तुम्हारा ये नहीं कहा कि राय के बराबर भी अगर तुमने जो है वो ये वो बिगाड़ है जो हमारी उम्मत में आए लिहाजा इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा अल्लाह ताला ने कहीं ये क्लेम नहीं किया अल्लाह ताला ने कहीं ये बात नहीं की कि तुमने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी तो तुम्हें डाल दिया जाएगा जो है कि इसमें जन्नत नहीं मकसद उस आयत का यह है मफहूम ये है, है तावील ये है कि अगर तुमने जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी की है उसका अजर भी तुम्हें दे दिया जाएगा ये नहीं कहा कि जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी की तुम्हें जन्नत में डाल दिया ऐसा कुछ भी नहीं ये सिर्फ हमारी जो है वो क्या है तिल का अमानी ये सिर्फ हमारी विशफुल थिंकिंग्स हैं जो हमने अपनी तरफ से घड़ रखी और क्या है वकफा बिना वकफा बिना हासबीन और हम बहुत हैं काफी हैं हम हिसाब लेने वाले इसी तरह से फिर एक और जो है कसस आयत नंबर सिक्सटी वन में देख लीजिएगा कि क्या है कि अफामन वना अफमन वना वन के क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया है वादन हसन कि क्या वो शख्स कि जिसने हमने नेक वादा किया है तो फहुआ ला की ही जिसे वो जो है क्या है कि क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया है जिसे वो कतन, जिसे कतन वो पाने वाला है फहुआ लाकी ही कि वो लाज़िमन उसको पाने वाला है यानी मिसाल के तौर पर बंदा है मोमिन है सारी भाग दौड़ उसने अपनी आखिरत के लिए है तो वो ये समझ ले कि लाजिमन वो दिन आके रहेगा तो उसमें क्या है मिसाल उस शख्स की जो है वो उसके मिसल कैसे हो सकता है कि जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की जिंदगी में हमने कुछ यूं ही थोड़ी सी मुनाफा जो है वो दे रखी हो यानी अफमन वाद ना हो वो इंसान के जिसने हम जिससे हमने बहुत बड़ा वादा किया वादन हसनन अल्लाह ताला ने अपने तद मोमिन से जो वादा किया वो क्या है वादन हसनन बहुत सारी जन्नतों के मामला और सारी चीजें वादन हसनन है फहुआ लाकी ही तो फिर वो क्या करता है वो कता उसको पाने वाला है अब उसमें आगे क्या कहा कहा जा रहा है कमम मताना मताल हयात दुनिया तो क्या वो इसके बराबर हो सकता है कि जिसको दुनिया में हमने दिया भाई दुनिया में बड़ी तुम्हें गाड़ियां घोड़े बंगले जायदाद तुम्हें दे दी वो तो तुम छोड़ के मर जाओगे समझ आ रही है बहुत तुम्हें अल्लाह ताला ने खजाइन भी दे दिए बहुत तुम्हें खजीने दे दिए अल्लाह ताला ने तो छोड़ के तो मरने वाले हो कबर में तो ले जाने वाले नहीं हो बहुत बड़ा भी तुम्हें किसी मुल्क का बादशाह बना दिया फिर उसके बाद क्या है सुम्मा हुआ यौमयामा मिनल महदरीन तो वो इंसान जो दुनिया की ही जिंदगी में उलझा रहा कि मैं थोड़ा ये कर लूँ वो कर लूँ डिग्री हो रही है डिप्लोमा हो रहा है ये भाग दौड़ हो रही है सिर्फ किस लिए कि चार वक्त की रोटी इंसान बड़ा कोई अमीर इंसान है बहुत बड़ा कोई इंसान अमीर का अमीर है तो क्या वो सोना खाता है हीरा खाता है भाई वो भी तो रोटी खाता है तुम्हें भी तो अल्लाह ताला रोटी खिलाता है तो मकसद ये क्या है इसका कहने का कि मसिल उस शख्स के हो सकता है कि जिसे हमने जिंदगानी यानी दुनियावी जिंदगी दुनिया की कुछ हमने यूं ही थोड़ी सी मुनाफत दी और फिर बिल आखिर क्यामत के रोज़ पकड़ा बांधा हुआ कि फिर वो क्या होगा महद्रीन जो हाजिर किया जाएगा जकड़ा हुआ और पकड़ा हुआ जंजीरों में बांधा हुआ उसको जो पेश किया जाएगा सूरत कसस का आयत नंबर सिक्सटी वन ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो बिल्कुल दुनिया के होकर रह गए अब इसमें भी ये एक जो है एक दो किस्म है इसमें देख लीजिएगा ये एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होना चाहिए कि आपके मामला इस तरह के हो जाए कि आप बिल्कुल जी मैं तो शादी नहीं करूँगा मैं तो जी यूँ नहीं करूँगा मैं तो बस अल्लाह अल्लाह और वो सारे मामला किसी के दर पर जाके पड़ गए किसी मज़ार पर यह बिल्कुल भी नहीं ये हराम मुतलक है इसको रहबानियत का नाम दिया जो तुम्हारे मामलात हैं अल्लाह पर तवक्कल करके जितनी भी तुम्हारी औकात है जितनी भी बिसात है जो भी मामलात हैं शादी करो ताकि तुम्हारा हाफ दिन कंप्लीट हो आगे के मामला तुम्हारे हों ये सारी बातें दुनिया की मोहब्बत निकाल देने से मुराद ये नहीं कि तुम बिल्कुल रहबानियत की तरफ हो जाओ बिल्कुल तुम ये मलंगों वाला हाल बना लो कि अब बाल बनाने का क्या फायदा अब कपड़े पहनने का अच्छे से क्या फायदा घर भी क्या फायदा साफ करने का कि वो तो जी, दुनिया तो फानी है जी समझ आ रही है ये चीज़ नहीं है बल्कि बताने का मकसद है कि ज्यादातर तुम्हारी भागदौड़ जो है वो दुनिया की जैसे हमें जो है उस वह से वो एक चीज़ मिलती है जब नान नफके का जब नान नफके का अजवाज मुतः ने जब नान नफके का मुतालबा किया बहुत ज़्यादा वो बात बड़ी जो आप ने इला किया और काफ़ी दिन तक जो है आप मस्जिद के हुजरे में सोते रहे तमाम जितनी अजवाज मुतः थी उसके साथ नाराजगी का जो है आप ने मुज़ाहरा किया और किसी के पास भी नहीं गए और फिर उसके बाद जो है वो असल में क्या था वो बात बताना ज़रूरी है कि वो जो है क्या था कि वो नान नफके का मुतालबा था कि तमाम जितने भी लोग हैं हमने फला फला जंगे जो है वो जीती हैं उसमें बड़ा मालिक आया सबको नौकर चाकर मिल गए हमें भी मिलना चाहिए उस पर जो है आप सल्लम ने उनके साथ जो है इला किया इला कहते हैं मुंह फेर लेने को ठीक है ना तो उसमें जो है तमाम मामला हुए तो ये सारे मामलाते हैं तो मकसद कहने का क्या है मकसद कहने का ये है कि सूरत जुमुर का मैं बता चुका हूं आपको आयत नंबर सिक्सटी सेवन सूरत आयत नंबर सिक्सटी सेवन अब इसमें देखिएगा कि क्या अंदाज है और उन लोगों ने जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी नहीं की बमा कदर अल्लाह हक का कदर ही जैसे हमें अल्लाह ताला की कदर करना चाहिए अपने गिरबानों में झाँक के देखिए क्या हम अल्लाह की वैसी कदर कर रहे हैं आज क्या हम अल्लाह के कुरान की कदर कर रहे हैं जिस तरह से करनी चाहिए सबसे ज्यादा बढ़कर जो है वह अल्लाह से मोहब्बत होना चाहिए लेकिन हमें सबसे ज्यादा बढ़ के मोहब्बत हमें हमारी औलादों से सबसे ज़्यादा बढ़ के जो है वो मोहब्बत हमें जो है वो अल्लाह के रसूल से होना चाहिए क्या हमें वो है वो मामलात हैं हमें तो माल से मोहब्बत है दौलत से मोहब्बत है पैसा कैसे कमाना है एक का दो कैसे करना है दुनिया से मोहब्बत है दुनिया की मसनदें दुनिया की मोहब्बत सारी चीज़ें अल्लाह से तो महब्बत जो है वह लोगों को पता भी नहीं है अल्लाह भी कोई शेय है जिससे मुहब्बत की जाए वन राज जब नई नई ये बात जो है मोहब्बत वाली बात निकली या ये जो है मुलाकात वाली बात निकली तो लोग बड़ा हैरान होते थे क्या कह रहे हैं अबू बकर भाई कैसी बात कर रहे हैं अल्लाह से भी मोहब्बत की जाती है तो ये सारी चीजें सबसे बढ़कर जो है मोहब्बत अल्लाह से उसके बाद जो है वो क्या है उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह से उसके बाद जो है फिर वो अपने वालदे से और उसके बाद अपनी बीवी से या अपने बच्चों से ये दर्जा हमेशा कायम रहना चाहिए जो ईमानदारी का जो है वो जो है क्या कहते हैं कि वो अगर वो दावा करता है तो ये, ये नक्शा हमेशा रहना चाहिए अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह के रसूल से मोहब्बत उसके बाद वालदे से वालदे से मैं क्यों कह रहा हूं उसकी वजह यह है क्योंकि कुरान में चार जगह यह मजमून आएगा कि अल्लाह ताली ने अपने हकूक़ के बाद फ़ौर वबिल वाली एहसाना वबिल वाली एहसाना वबिल वालीन एहसाना वबिल वाली एहसाना आज हमारे मामला क्या हो गए कि जब हम शादी करते हैं तो वाले को बिल्कुल पसे पुस तटा के बिल्कुल जो है वो जोरों के गुलाम हो जाते हैं औरतों के भी मामला बिल्कुल उसके बरक्स हो जाते हैं औरतों के मामला आती हैं कि जब शादी करके निकल के आती हैं उनको लगता पता नहीं उनकी जन्नत जो है वो सास के कदमों के नीचे ऐसा नहीं है वो माँ है उनकी जिसके कदमों के नीचे लिहाजा उनको भी राजी रखो उनसे भी राजी रहो समझ आ रही नहीं तो वो माँ है लिहाजा मकसद कहने का ये है मैं बता चुका हूं आपको इसका जो है वो क्या है कि और उन लोगों ने जैसी कदर करनी चाहिए थी अल्लाह ताला की वैसे कदर उन्होंने की ही नहीं सारी जमीन ये मैं आपको उसका तर्जुमा बता रहा हूं सूरत जुमर आयत नंबर सिक्सटी सेवन सारी जमीन कयामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाहिने हाथ में लपेटे हुए होंगे वो पाक और बर्तर है हर उस चीज से जिसे लोगों ने उसका शरीक बनाया आज हमने भी अल्लाह ताला का शरीक बना रखा है क्या शरीक बना रखा है आप सुन में क्या फरमाया तयसा अब्दुद्दीनार दरहम क्या मुराद है इससे राद ये कि हलाकत है बर्बादी है उसकी कि जो अब्दुल अब्दुल्दीनार बनना चाहिए था अल्लाह का बंदा बन के बैठा है दीनार और धर्म का बंदा तो ये सारी चीजें हैं आज हम क्या हैं पैसे के अब्दुल अब्दुल्दीनार हैं अब्दुद्दब्रियाल है अब्दुल्डुलार है, अब्दुद हैं ये हमारे मामला थे हम अब्दुल्लाह तो नहीं हैं हम अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदगी तो नहीं करने वाले ये सारी चीजें हैं ये सारी चीजें हैं जिसका इंट्रोस्पेक्शन करना है तब आप जो है बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि जी हमने कुरान पढ़ा किया लेकिन वह अमल की तरफ ये है वो चीज जिसको मैं कहता हूं कि इंशाला मेरी बातों की बात सुनने के बाद आप जो है अमल की तरफ ऑटोमेटिकली अगर कुछ है आपके अंदर मादा कुछ फितरत वाली बात है तो इन शाह तब अपने आप को बसानी जो है वह अमल की तरफ ले जा सकते हैं तो हमारी बात हो रही थी व आखिर तुम यू खिन इतनी लंबी चौड़ी बात करने का मकसद ये था कि आपका यकीन कायम हो सके मैंने काफी सारे रेफरेंसेस बहुत जल्दी जल्दी में वो डेढ़ घंटे के लेक्चर में समेटने की कोशिश की है कि जो एक ग्रोह है उसके बारे में मैं बात कर सकूल अगर उस दिन पर तुम्हारा यकीन नहीं है तो समझ लो कि कोई तुम्हारा यकीन नहीं है बात समझ में आ गई नहीं तो इसकी एक जिंदा मिसाल मैं देता हूं मिसाल के तौर पर ये आखिरत का दिन जो है क्या है ये रिजल्ट का दे है अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल दुनियावी एतबार से इसकी मिसाल देता हूं मिसाल के तौर पर दो बहनें हैं एक माँ की दो बहनें हैं ठीक है एक माँ की दो बेटियां हैं आपस में दो बहने अब एक बहन जो है बड़ी वाली ये हमेशा मैं मिसाल देता हूं क्योंकि इससे बात आपको खुल के समझ में आ जाएगी वो क्या है कि मिसाल के तौर पर दो बहनें एक बड़ी है एक छोटी है अब बड़ी बहन जो उसके मामला क्या है बेचारी कि वो जॉब भी करती है घर भी चला रही है साथ ही साथ वो क्या करती है कुछ पढ़ाई भी कर रही है थोड़ी बहुत कोई मैट्रिक का एग्जाम दे रही है इंटर का एग्जाम दे रही है ठीक है अब वो क्या करती है आठ दस बारह घंटे की जॉब करके आने के बाद बेचारी रात में बैठ के रट्टे मारती है क्यों क्योंकि उसका यकीन है उसको कि उसके एग्जाम होने हैं और उसको रिजल्ट मिलना है एक तरफ ये बात हो गई दूसरी तरफ जो बहन है छोटी वाली वो गैर जिम्मेदार है वो क्या करती है सारा दिन टेटियां लगा के फ्री लगा के गाने सुनते रहती है ठीक हो गया जी अब उसके बाद जब माँ आकर दोनों से पूछती है कि भाई तुम लोग पढ़ाई भी कर रहे हो कि नहीं दोनों कहती हैं कि भाई हाँ भाई हम पढ़ाई करते हैं जी अम्मीजान हम पढ़ाई करते हैं बिल्कुल मैं पढ़ाई करती हूँ अब इसमें दोनों में से यकीन वाला ईमान किसका है तो जवाब होगा बड़ी बहन का क्यों क्योंकि वो उस दिन के लिए मेहनत कर रही है ये बात समझने की है तो क्या हम उस दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं हम कहते तो हैं जैसे वो छोटी बहन झूठ बोलती है बिल्कुल उसी तरह से हम झूठ बोलते हैं कि हम उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं कोई तैयारी नहीं हमारी हमारी उस दिन पर कोई यकीन नहीं हमारा उस दिन पर और यहां हमसे डिमांड की जा रही यकीन की अगर हमारा यकीन हो जाए तो हम जो है फिर वो अतात करें अल्लाह और उसके रसूल खोज खोज के हम चीज़ों को निकालें हमारे मामला तो ये है कि वो बस शादियां हमारी हो गई और सारी चीज़ें भाग दौड़ हमारी औलाद हो गई है और झंझोड़ झंझोड़ के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो औलाद फितना है तुम्हारे लिए आजमाइश है देखो औलाद तुम्हारे लिए फितना है तुम्हारे लिए आजमाइश है रो रो कर तुम औलादे तो मांगते हो लेकिन ये कि तुम्हारे लिए आजमाइश है जितनी मांगोगे हम हर साल का कैलेंडर हम तुम्हें देंगे लेकिन ये है कि ये आजमाइश है ये समझ लेना अब हमारे मामले आती हैं कि शादियाँ होती हैं लड़कियों की बहुत बड़ा जो अजाब उनके सर पर टूट पड़ता है वो क्या है कि जी बच्चा नहीं हो रहा बहुत बड़ा जिसको चैलेंज लाइफ का और वहाँ से जो सफ़र शुरू होता है फिर वो बच्चा हो जाता है फिर उसके बाद उसका जो है वो दूध पिलाई है फिर उसको चलते 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 फिर थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा वो फिर वो स्कूल जाएगा फिर वो कॉलेज जाए सारी चीज़ें करते करते तुमने अपनी ज़िंदगी जो है वो गफलत में गुजार दी वो अर्श का साया तो साया, और भी तमाम चीज़ ये सारी चीज़ें झंझोड़ झंझोड़ के अगर तुम इस चीज़ को क्लेम करते हो कि अल्लाह के तुम्हें अल्लाह पर यकीन है तो मैं अल्लाह के कुरान पर यकीन है तो अल्लाह ताला इसी कुरान में तुम्हें झंझोड़ झंझोड़ के कह रहे हैं कि देखो माल है दौलत है औलाद है ये सब दुनिया के शशकें हैं यानी मिसाल के तौर पर इसको इस तरह से लेजिए एक मिसाल के तौर पर जैसे स्टेज ड्रामा होता है थोड़ी सी दुनियावी मिसालें दे रहा हूँ ताकि बात आसानी समझ में आए जो स्टेज ड्रामाज होते हैं उसमें क्या होता है एक बादशाह का किरदार निभा रहा है एक मलिका किरदार निभा रहा है एक दरबारी का किरदार निभा रहा है लेकिन जैसे ही डायरेक्टर कट कहता है सारे बैठ के अगर लंच टाइम हो गया दस्तरखान लगा है सारे बादशाह मलका सारे एक दस्तरखान पर बैठ के खाना खाते हैं इसी तरह से ये सारे किरदार हैं कोई माँ का किरदार निभा रहा है को भाई का किरदार ये सारा ड्रामा है ये जितना भी कायनात में चल रहा है ये सब वक्ती तौर का है ये सब जितने भी है माए हैं वो भी अपना करेक्टर ने इतनी मगन हो जाए कोई माँ इतनी मगन हो जाए कट कह दिया जाए उसके बाद भी उसको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लिहाजा इन चीज़ों को भी इतना अपने सर पर हावी करो कि जितना करने का है अपनी आल औलाद को अपने हक़ में जो है वो बनाओ क्या कहते हैं उसको अपने आल औलाद को जो इस हक में अपने हक में सदका का जारिया बनाओ सारी बात फरमाने के बाद यानी ये क्या बात के जो लोग क्या करते हैं जरा इसको फिंगर्स पे काउंट कीजिएगा बफी ये मैं बता रहा था कि तीन ग्रोह के बारे में जिक्र है ये आयत नंबर दो से लेकर पांच तक की आयत में हमने क्या पढ़ा वो एक ग्रोह है कौन सा अभी आगे बताऊंगा जो विनर्स हैं वो क्या है शुमारी करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहली चीज के कुरान में कोई शक नहीं रखना इसको उंगलियों पे गिनो और इसकी लिस्ट भी बनाओ मैं नोट्स में चेक करूंगा सबसे पहली चीज अगर तुम फला वालों में से होना चाहते हो पहली चीज़ चीजल किताब लारे बफी इस कुरान में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू अलू वो लोग के जो क्या करते हैं गैब पर ईमान रखते हैं दूसरी तीसरी चीज़ क्या आई व युकीम उनलात कि जो नमाज क़ायम करते हैं चौथी चीज़ क्या आई कि व मम्मा रखना हूँ कि जो भी कुछ अल्लाह ताला ने जो नेमत रिस्क अल्लाह ताला ने दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं पांचवी चीज़ क्या आई कि जो नबी करीम पर नाजिल हुई या जो है आपसे पहले रसूलों पर नाजिल हुई उन सब पर हमें हमारा ईमान है कि वह सारे अल्लाह के बंदे थे जो काम मोहम्मद रसुल्ला ने किया तकरीबन सेम उसी तरह का काम हजरत इब्राहिम ने हजरत मूसा ने हजरत ईसा ने हजरत यूसुफ ने तमाम जितने भी लोग थे तकरीबन बस इसमें यह है कि रसूल की ड्यूटी दूसरी थी और नबियों की ड्यूटी जो है वो दूसरी थी पांचवी चीज़ जो हमने छठी चीज़ जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी वो क्या थी जिसको मैं बार बार जो मैं जोर दे देकर कह रहा हूं और दूसरे कुछ मकामा भी मैंने बताए वो क्या है वबिल आखिरती हम यू पूरा का पूरा जो किरदार कशी जो तुम्हारी होगी वो इस दिन की बुनियाद पर होगी कि तुम्हारा इस पर कितना यकीन है यह सारी बात फरमाने के बाद अल्लाह तला क्या सर्टिफिकेट देते हैं पांचवी आयत में क्या फरमाया जा रहा है उलाई का अला हदम रब दर हकीकत ये है वो लोग कौन से लोग जो पीछे में छह चीजें आपको काउंट करा के आ चुका हूं उलाय का उलाय का रब हिम ये हैं वो लोग जो दर हकीकत तुम्हारे रब की तरफ से हिदायत पर हैं व उलाय का मुफलिहून दर हकीकत ये जो दर हकीकत ये जो व उलाई का उलाई का जो लफ्ज है इससे ये मैं इसको कहता हूँ सर्टिफिकेट ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सर्टिफिकेट है जहाँ पे भी ये लफ्ज़ आएगा इसका मतलब है दर हकीकत से मुराद ये कि देर एंड डन ये बात समझ लो कि एक सर्टिफिकेट की वैल्यू रखती है क्या है क्या अल्लाह ताला सर्टिफिकेट दे रहा है उन लोगों को उलाए का अला हदम रब दर हकीकत ये है वो लोग कि जो अब तुम्हारे रब की जानब से क्या है कि जो हिदायत पर है वह उलाय का हमालमफलि दर हकीकत ये है वह लोग कि जो क्या करते हैं कि जो जो फलाह पाने वाले हैं जो विनर्स फ़लाह कहते हैं फलाह कहते हैं किसको कि जो फ़लाह कहते हैं जो विनर्स जो होते हैं फ़लाह से मुराद है मफली हुन असल में जो लफ्ज़ था फ़ा लाम और हा उससे निकला फ़लाह यानी विनर्स ये हैं वो विनर्स कि जो ये जिन के अंदर ये छः चीज़ें पाई जाती हों दर हकीकत वो हैं ये लोग कि जो फ़लाह पाने वाले हैं बारक बारक अल्लाह ली बारकल्ला बाराकल्ला वलकम फिर अजीम वनफा अनकुम बिल्कुल